तमाम जो दर्शक देख रहे हैं महासेवा चाय कस्टमर मी ऐप्लिकेशन डाउनलोड केलं जे माझ्या सोसायटीने मला दिलं लेकिन व्हिडिओ नाही आला प्ले स्टोर जाऊन एक्चुअली ते डाउनलोड केलं यात माझे कुमार समृद्धी हे विशाल विशाल मैंने ईमेल किया देखो आरएस प्रो 13 में ईमेल किया है वो डाउनलोड कर लो ठीक है ऐसा नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं हां थोड़ी देर बाद ले लेंगे है ना तो नहीं नहीं अपने लोग को रुकना पड़ेगा ना ठीक है लोगों का ठीक है मैं जब तक मैं कंटिन्यूटी रखता हूँ आप जब तक कर लो है ना ठीक है जैसे दोस्तों ये आप देख सकते हैं हम ये एक वीडियो दिखा रहे हैं बड़ा ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है किस तरह से वेजिटेबल फ्रूट्स और तमाम जो ग्रोसरीज के सामान होते हैं जो आपके घर में हाउसिंग सोसाइटी में लगते हैं घरों में वो कैसे आप डायरेक्ट फार्मर्स के थ्रू डायरेक्ट ट्रेस कनेक्ट कर सकते हैं उस तरह की एक योजना अभियान एक पहल है हमारी इस पहल के बारे में रिएक्शन चाहते हैं हम तमाम लोगों से जो फेसबुक पे जुड़े वो वीडियो जल्दी ही प्ले करेंगे लेकिन जो COVID-19 की फाइट है हमारी उसके बारे में मैं निश्चित ही बता देना चाहता हूँ आपको कि हम महाराष्ट्र सोसाइटी महासेवा MNS मीडिया न्यूज सर्विस ने ये प्रण लिया है कि हम इस तरह के COVID-19 की फाइट में तीन तरह से हम इसमें प्रण लिया है कि तीन तरह से हम मदद करेंगे। पहला हमारा तरीका है इसमें पहल का जागरूकता और मदद अभियान का कि हम हाउसिंग सोसाइटी तमाम जो हाउसिंग सोसाइटी 1 लाख हाउसिंग सोसाइटी महाराष्ट्र में है उन सभी हाउसिंग सोसाइटी के पदाधिकारियों को लोगों को अपील कर रहे हैं और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में और PM केयर में डोनेट करें ज्यादा से ज्यादा 1 लाख हाउसिंग सोसाइटी आप समझ सकते हैं एक आदमी हाउसिंग सोसाइटी में एक फ्लैट में रहने वाला यदि डोनेट करता तो कितना बड़ा अमाउंट कितना बड़ी मदद अमाउंट नहीं इतनी बड़ी मदद आप हमारे राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे जी और हमारे देश के जो मुखिया नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचती है और ये संकट के समय में उनका हाथ मजबूत हो सकता है और इसमें हम सफलता हमारे आह्वान पर प्रतिसाद मिल रहा है लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं और बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटी मैं आपको बताऊंगा कुछ नाम बाद में लेकिन ये पहला हमारा अभियान का हिस्सा हो गया कि हम इस तरह से आह्वान कर रहे हैं मदद करें उसमें हमें सफलता भी मिलती जा रही। दूसरा हमारा तरीका दोस्तों ये जो जूम के माध्यम से इस तरह से लॉकडाउन का पालन करते हैं अपने अपने घरों में हम लोग जितने लाइव जुड़े हैं आप फेसबुक पे देख रहे हैं जूम के माध्यम से हम करीबन 100 लोग एट ए टाइम पिछले 28 मार्च से जुड़ते हैं और लोगों को लाखों लोगों की हमने चेन बनाई है हाउसिंग सोसाइटी की अवेयरनेस और इन्फॉर्मेटिव आपके वेजिटेबल फ्रूट्स और ग्रोसरीज कैसे पहुंचे हाउसिंग सोसाइटी के गेट पर आप लॉकडाउन का कैसे पालन करें और जो डोमेस्टिक वर्कर्स है अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर उन लोगों के लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम है दोस्तों वो पेंशन स्कीम में गवर्नमेंट ने लेबर डिपार्टमेंट और कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के थ्रू डाटा इन्वाइट किया डाटा मांगा है उन्होंने ऐसे अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर जो काम वाली बाय आपके ड्राइवर्स आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है उन लोगों का डाटा भेजे ये गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम है और गवर्नमेंट का लिंक है आप घर बैठे मोबाइल के जरिए ये लिंक के जरिए डाटा उन लोगों का पहुंचा सकते हैं तो इस तरह की स्कीमें सरकार उनसे उनको फ्यूचर में भविष्य में अभी ये संकट का समय इसमें कुछ देना चाह रही होगी तो वो डाटा इन्वाइट किए तो ज्यादा ज्यादा डाटा दें ताकि ऐसे लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं संकट के समय देख सकते हैं आप जैसे आज मजदूर का वर्ग अपने मुंबई में हादसा हुआ ऐसी घटना हुई बाहर आए घर से बाहर दिल्ली में हुआ तो इस तरह की घटना नहीं हो इसलिए उन लोगों की मदद करें आपको कुछ खर्च नहीं करना आपके मोबाइल पर जाके हमारे जो वॉलेंटियर है उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं उनसे सलाह ले सकते हैं आप उनसे उनके बारे में जान सकते हैं गूगल पे लिंक करना है उनका डाटा भेजना है उनसे बात करके आपके जो डोमेस्टिक वर्कर है उनका ये इस तरह से हमने जो लाखों लोगों तक हम पहुंचे हैं इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पिछले 28 मार्च से कि हमने एक चेन बनाई है हाउसिंग सोसाइटी और तमाम जो हाउसिंग फेडरेशन के तमाम जो लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं उन लोगों को शामिल करके और ये जो कॉन्फ्रेंस होती है हमारी महाराष्ट्र भर के लिए होती है देश भर के लिए होती है पूना से थाना से नासिक से कोल्हापुर से काफी लोग जुड़ते हैं और वो जुड़ के अवेयरनेस करते हैं अपने एरिया में क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे हजारों लाखों लोगों को तो वहां पे अवेयर करते हैं और हम लोग कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाते हैं कुछ जनप्रतिनिधि को बुलाते हैं NGO पुलिस ऑफिसर समाज के जो अलग अलग अंग है
वो सबको बुलाते हैं। हमने देखा कि आपने कुछ पुलिस अधिकारी बड़े बड़े जो महाराष्ट्र के बड़े पुलिस अधिकारी वो आए, उन्होंने बताया किस तरह से आप जो अफवाह है रूमर्स पर ध्यान ना दें और आप सही जानकारी लें। तो हमने हमारी ये कॉन्फ्रेंस का मुद्दा भी यही है कि हम लोगों तक सही जानकारी और सटीक जानकारी और किसके द्वारा गवर्नमेंट द्वारा दी हुई जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारा मकसद ये महासेवा का और MNS मीडिया न्यूज सर्विस का कि सही और सटीक जानकारी होगी आप तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आप विवाद में, क्योंकि ये संकट का समय, संकट के समय को हम को पार लगाना है ऐसे संकट के समय में दोस्तों। तो एक हमने लाखों लोगों की चेन जोड़ी है, इसके साथ साथ हमने दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में हम इनवाइट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको कि महासेवा महासेवा की तमाम जो बुक्स है, किताबें हैं, एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव, हमारे जो ऑथर हैं सीए रमेश प्रभु द्वारा लिखी हुई और हमारे जो IAS रिटायर ऑफिसर हैं सुभाष लाला जी जो दो दो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, ऐसे लोगों ने तमाम बड़े लोगों ने जो पुस्तकें लिखी है उन पुस्तकों पर हम 50% रिलीफ क्रेडिट दे रहे हैं। यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या PM केयर में रिलीफ देते हैं, आपको रिलीफ भी मिनिमम 1000 देना है, मैक्सिमम कितना भी दे सकते हैं आप, आपको मिलेगा 50% रिलीफ और क्रेडिट। हमारी तमाम जो बुक्स है वो इंफॉर्मेटिव है और एजुकेशनल बुक्स है, उन पर आपको 50% रिलीफ दिया जा रहा है। हम ये क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये एक नेक काम कर रहे हैं आप, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट कर रहे हैं आप, PM केयर में डोनेट कर रहे हैं, इसलिए हम ये डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं। हम आप लोगों को, तमाम जो लोग करेंगे डोनेट, तो उनको 50% रिलीफ दे रहे हैं, 50% क्रेडिट दे रहे हैं हमारी तमाम बुक्स पर। इसके अलावा हमारे जो कोर्सेस है, एजुकेशनल कोर्सेस है, ट्रेनिंग कोर्सेस हाउसिंग सोसाइटी में जो ऑनलाइन भी हम करेंगे, उन कोर्सेज पे, तमाम कोर्सेज पे हम क्रेडिट और रिलीफ दे रहे हैं दोस्तों। हमारे जो नंबर हम बताऊंगा उन पर आप कांटेक्ट करके ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ज्यादा एजुकेशन हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने वेल विशर और हम महासेवा से जो जुड़े हुए हैं, वेल विशर महासेवा क्लाइंट, उन तमाम लोगों को हम जो ओवरऑल हमारी जो सर्विस है सेवाएं हैं उस पर 10% ओवरऑल जो चार्जेस होता है, फीस होती है, उस पर 10% रिलीफ क्रेडिट दे रहे दोस्तों। इस तरह की हमारी एक ये COVID-19 के खिलाफ जंग में हमारा भी एक सहयोग है इस तरह का कि हम यदि आप चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं तो हम भी आपके साथ हैं, हम भी सरकार के साथ में कंधा से कंधा लगा के लगे हुए हैं कि आप इसमें लगे रहिए और इस COVID-19 की फाइट को हमें जीतना है, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई है, छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। तो देख सकते हैं आप कि हम निरंतर इस तरह से कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो COVID-19 की फाइट है दोस्तों, ये एक आज की और 6 महीने या 15 दिन की नहीं है, ये हमारा, ये जो हमारा हमने जो अनाउंस किया अभी, ये 1 साल तक हमारा चलता रहेगा। तो इस तरह से, और आज सभी दोस्तों से अभी आपको मैं वीडियो बताऊंगा, बड़ा ही अच्छा वीडियो होगा, पहले तो आपको वो वीडियो बताऊंगा, उसके बाद आयुष्मान खुराना ने क्या कहा, तो हमारे महासेवा का एक न्यूज वीडियो है, आयुष्मान खुराना ने क्या कहा वो बताऊंगा। तो उसके पहले मैं बताना चाहता हूँ, जो घर से लोग निकलते हैं और बड़ा ही नुकसान करते हैं दूसरे लोगों का, तो उनके लिए ऐसा है साहब कि गुलजार साहब की यह कविता है, आज बहुत याद आती है गुलजार साहब की इस कविता आज की, कि बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, सबको मालूम है बाहर की हवा कातिल है, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, जिंदगी एक नेमत है, जिंदगी एक नेमत है उसे संभाल के रखो, जिंदगी एक नेमत है उसे संभाल के रखो, कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी, यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों स्टे होम स्टे सेफ, इस तरह से हमारे देश के मुखिया और तमाम राज्य के मुखिया, तमाम NGO एक्टर्स, हमारे महासेवा के चेयरमैन रमेश प्रभु जी और हम सब लोग इस तरह से लॉकडाउन का पालन करते हुए निवेदन कर रहे हैं। आपको मैं दिखाता हूँ वीडियो, हमारा शेयर स्क्रीन पर रेडी है, तो विशाल बामने, हमारे सहयोगी विशाल बामने, वीडियो प्ले कर रहे हैं। मैं वीडियो के बारे में बता दूं, ये वीडियो ऐसा वीडियो है, ऐसा पहल है हमारी महासेवा की कि जिसके चालू करो।
माझे कुमार समृद्धी हे माझ्या जागेचं नाव आहे जिथे मी राहतो आणि ती जिओ लोकेशन माझ्या सोसायटीवरती अकाउंट माझं क्रिएट झालेलं आहे. तर ही एकदा करायची ऍक्टिव्हिटी झाल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या लोकेशन मध्ये बिलकुल सप्लायर्स त्यांच्याशी तुमचं टायअप केलं जाईल आणि त्याप्रमाणे तुमची सर्व्हिस सिस्टम वापरली जाईल. जेव्हा आपण मेन स्क्रीनला येतात त्यावेळेला इथे मल्टिपल कॅटेगरीज आहेत जे आता व्हेजिटेबल्स आहेत किंवा फ्रुट्स आहेत अशा इथे गोष्टी इथे दिसतात आणि ह्या सगळ्यांचे ऑर्डर आता बल्कमध्ये टाकलेत. पण जेव्हा आपण रिटेलिंगला येऊ त्यावेळेला ह्या सगळ्या क्वांटिटी कमी क्वांटिटीमध्ये असतील. पण हे तर होलसेलसाठी केलेलं ऍप्लिकेशन असल्यामुळे मी होलसेलच्या दृष्टीने हे बिल्ड केलं होतं. तर मी जे काय क्वांटिटी इथे ऍड करीन टोमॅटो गाजर हवं असेल जसं मी करत जाईल तसे ते सगळे आपल्या शॉपिंग कार्ट मध्ये जसं ऍड करतो तसे ऍड होतात. शॉपिंग कार्ट इथे मला दिसतं जिथे मी काय क्वांटिटी जे काय घेतलेली ती क्वांटिटी टोटल दिसते त्याची संपूर्ण अमाऊंट आणि मी एक काही क्वांटिटी कमी करायची असेल तर इथनं डिलीट करून ते बाहेर करू शकतो. हे झाल्यानंतर मी चेकआउट करतो आणि सध्या आपण कॅश ऑन डिलिव्हरी हा ऑप्शन ठेवला आहे आणि थोड्याच दिवसात ऑनलाईन ऑप्शन पण सुरू होईल. कॅश ऑन डिलिव्हरी मध्ये जो पण वेंडर तुम्हाला भाजी सप्लाय करायला त्याला तुम्ही तो पैसे कॅश द्यायचे आणि इथे आता तुमची ऑर्डर कन्फर्मेशन होती. तुम्ही आता ऑर्डर प्लेस केली त्याच्यानंतरच्या फ्लो मध्ये तुम्हाला ही ऑर्डर कधी दिली जाईल त्याचे अपडेट्स सिस्टीम मध्ये येतात. आता मी ऍज अ कस्टमर काय काय ऑर्डर्स प्लेस केल्यात ह्याची सगळी माहिती मला एका ठिकाणी मिळते आणि हा सगळा मी खरेदी केल्याचा ट्रॅक मला इथे दिसतो. पेमेंट मी केल्यानंतर सिस्टीम मधनं ते पेड होतो. आता हे ऑफलाईन आमचा जो पण सिस्टीम ऍडमिन आहे तो हा ती ऍक्टिव्हिटी करेल आणि ज्या काय ऍक्टिव्हिटीज जिथे डिस्प्युट्स असतील तिथे पेड अनपेड ह्या गोष्टी रिझॉल्व्ह केल्या जातील. इव्हेंच्युअली ही सगळी सिस्टम ऍटोमेशन कडे जाईल. पण आता मुख्य उद्देश आहे शेतकरी आणि शेवटचा ग्राहक जो आहे त्यांच्यातला समन्वय साधणं हा या सिस्टमचा मुख्य उद्देश आहे. आताच्या कोविडच्या सिच्युएशन मध्ये ही आपल्याला अत्यंत उपयोगी पडणारी सिस्टम आहे आणि त्याचा आपण जरूर लाभ घ्यावा असं आम्हाला वाटतं. तर यातील काही ह्याच्यातला पुढचा भाग जो आहे आम्ही तुम्हाला वेबवरती प्रभु सर यस यस दूसरा भी एक वीडियो है ना जी. हाँ जी दिखाओ ना उसका उसका और एक वीडियो है सेकंड वीडियो एक और हाँ देता हूँ सर दिखा दो यस वही वही दिखा रहा हूँ. मगाशी बोलल्याप्रमाणे जेव्हा आपण एखादा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करतो ती ऑर्डर आपल्या स्क्रीन शेअर झाला नाही जरा बघ दिसते सर. मगाशी बोलल्याप्रमाणे जेव्हा आपण एखादा कस्टमर ऑर्डर प्लेस करतो ती ऑर्डर आपल्या बॅकएंडला कशी येते त्याचा हा फ्लो मी आता दाखवतोय आणि आता ऍडमिन म्हणून लॉग इन करतोय या सिस्टीम मध्ये. ऍडमिन म्हणून लॉग इन केल्यानंतर मगाशी जसं बघितलं तेव्हा तिकडे 94 ऑर्डर्स होत्या आणि जशा ऑर्डर्स आपल्याकडे वाढत जातील तसे इथे ऑर्डर्सचा काउंट इथे वाढेल. आपण जशा डिलिव्हरी करू तशा डिलिव्हरी काउंट इथे असेल कॅन्सल ऑर्डर असेल तर नवीन युजर्स जसे जॉईन होतील तसा हा सगळा डॅशबोर्ड होते आपल्याला त्याचं स्टॅटिस्टिक्स हा बेसिक डॅशबोर्ड याचा महासेवक म्हणून इथे लॉग इन केलेला आहे. या त्याच्यानंतर मला इथे होम वरती आल्यानंतर मला सगळ्या बेसिक डिटेल्स दिसतात. प्रॉडक्ट मास्टर मध्ये आपण सगळे कॅटेगरीज मॅनेज करतो आणि मगाशी जसं ऍप वरती दाखवलं होतं की 5-6 कॅटेगरी आहेत त्या कॅटेगरी आपण इथं मॅनेज करणार आहोत. इथे फक्त 5 कॅटेगरी आपण ऍड केलेली त्याचे फोटो आणि बाकी गोष्टी आपण इकडनं एडिट करून त्याच्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी पण तिथे टाकतो. मेन कॅटेगरी झाल्यानंतर आपण सिटी ऍड करू शकतो आणि आता जो बघितलं तुम्ही आपण मुंबई पुणे आणि सातारा या तीन टाकले त्याच्यानंतर त्याचे पिनकोड आपण एडिट करणार आहोत आणि त्याप्रमाणे पिनकोड प्रमाणे त्याचं ग्रुपिंग त्या सोसायटीचं होत राहील. त्याच्यानंतर डिलिव्हरी लोकेशन या आपल्या पिनकोडशी टाईडअप असतील आणि त्या आपण एडिट करणार आहोत. आता आपल्याकडे काही सोसायटी ऍड झालेल्या आहेत आणि सबसिक्वेंटली प्रत्येक लोकेशन आपण इकडनं ऍड करतो. सिटी वाईज आपण त्याचं बायप्रोडक्शन करू.
त्याच्यानंतर आपण जेव्हा सोसायटी ऍड करतो तेव्हा सोसायटी ही शहराशी आणि त्या पिनकोडशी लिंक आहे आणि आता आपण बोलतो. त्याच्यानंतर आपण प्रॉडक्ट मास्टर मध्ये जाऊ. प्रॉडक्ट मास्टर मध्ये सगळे प्रॉडक्ट असतील आणि एका प्रॉडक्ट कॅटेगरी मध्ये मल्टिपल प्रॉडक्ट असू शकतो. जसं आपण आता कांदा बघितलं तर कांद्यामध्ये लाल कांदा आहे किंवा साधा कांदा आहे किंवा काही ग्रेडिंग असतील त्यात, त्याप्रमाणे त्या गोष्टी आपण इकडनं ऍड करणार आहोत. आणि आपण तो स्टॉक मध्ये आहे का आउट ऑफ स्टॉक आहे आणि त्याचं लिंकिंग आपण इव्हेंचुअली स्टॉक मास्टरशी करणार. तर त्या गोष्टी त्या स्टॉक मध्ये असतील, त्या सगळ्या स्टॉक मध्ये असलेल्या गोष्टी आपल्याला ऍप साईडवर दिसतात आणि त्याप्रमाणे तो कस्टमर तिथे स्टॉक मध्ये असलेल्या गोष्टींची ऑर्डर प्लेस करू शकतो. त्याच्यानंतर काही आपण डिस्काउंट ऑफर करणार असतो विच आर स्पेसिफिक. जसं आता आपण एक कोविडसाठी एखादी स्कीम ऑफर करू शकतो की जे कोण कोविडसाठी काही कॉन्ट्रीब्युशन करू शकतात किंवा काही काम करू इच्छित तर त्याच्यासाठी आपण डिस्काउंट इकडे मॅनेज करू शकतो. त्याच्यानंतर आपण कस्टमर्सच्या आलेल्या ऑर्डर या इथे बघतो. नवीन आलेल्या ऑर्डर मगाशी जी प्लेस केली होती ज्यायाने ती आपल्याला 835 रुपयाची ऑर्डर येतील. दिसेल त्यांनी 20 किलो कांदा, 5 किलो कॉलीफ्लावर, 5 पीस कॉलीफ्लावर किंवा बाकी जे काही होती ती आपल्याला इथे कळेल. टोटल ऑर्डर कळेल. आता डिलिव्हरी चार्जेस आपण काय बेसिक अमाऊंट तर ठेवली असेल ती आपण तिथे ऍड करणार आहोत. काही डिस्काउंट असेल तर ते डिस्काउंट त्यातनं जाऊन त्याचे नेट पेएबल करेल. आता जसं म्हटलं की तेव्हा आता आपण सगळ्या सीओडी असल्यामुळे इथे आपण पेड अनपेडचा विषय पेड केलेला आहे आणि त्यात काही ट्रान्झॅक्शन मध्ये इश्यू असतील तर तो पेडचा अनपेड आपण डिपेंड करू शकतो. डिलिव्हर झाल्यानंतर तो स्टेटस त्याचा डिलिव्हर म्हणून केला जाईल. आपल्या सगळी स्टेटस आता आपण मॅन्युअली केलेली आहे पण इव्हेंच्युअली ही सगळी ऑटोमेशनच्या भागाने सगळ्या गोष्टी होतील. इथे आपल्याला सर्च करता येतं की कस्टमर प्रमाणे सगळ्या काही ऑर्डर झाले आणि आता आपण सगळ्या बघितलं तर एका एक दोन लोकांनीच या ऑर्डर प्लेस केलेले आणि त्याच्या अंडर सगळ्या दिसतात. कस्टमर मास्टर झाल्यानंतर आपल्याला वेंडर मास्टर होतं की वेंडर कोण आहेत आपले आणि त्यांचे डिटेल्स काय असतात, त्यांच्या कॅटेगरी प्रमाणे हे वेंडर्स आपल्याला दिसतो आणि त्यांचं पण आपण सॉर्टिंग करू शकतो. समजा आपण म्हणलं की विरारशी आपल्याला कोण आहेत लोक तरी आपल्याला त्याप्रमाणे त्यांचं सॉर्टिंग इथे ऑटोमॅटिकली होत राहील. विसावा म्हणलं तर विसावासाठी कोण कोण लोक आहेत हे आपल्याला दिसतील. तर वेंडर झाल्यानंतर आपण सेल्स पर्सन किंवा आपलं महासेवक जे म्हणतोय हे लोक आपण याला अफिलिएट करतो. हे अख्खी इकोसिस्टम आहे कारण नुसते सोसायटी आणि सोसायटी ऑफिस बेअर यांचं काम करू शकणार नाही, त्यांना सपोर्टिंग काही स्टाफ लागेल तर तो स्टाफ पण आपण इकडनं ऍड करणार. असं ही सगळे अख्खी इकोसिस्टम ते बिल्ड केली. आता पुढचा पार्ट जो येणार आहे तो प्रत्येक व्यक्तीचा काय सेल होतो, काय परफॉर्मन्स आहे, कुठले युनिट जास्त सेल होत आहे, हा जो अनालिटिक्सचा पार्ट आहे तो आम्ही इव्हेंच्युअली बिल्ड करणार आणि त्याच्यानंतर ऑनलाईन पेमेंट गेटवे हा विषय आता त्याच्यावरती काम चालू आहे आणि आपलं ऍप्लिकेशन ऑलमोस्ट लाईव्ह व्हायच्या दिवसापर्यंत म्हणजे तो आपल्या ऑनलाईन पेमेंट गेटवे पण इंटिग्रेशन होऊन जाईल. त्याच्यात काही शंका असतील तर तुम्ही जरूर आम्हाला कनेक्ट करा किंवा काही सूचना असतील तर सांगा. आम्ही त्या सगळ्यांचा विचार करून त्या गोष्टी आपण या ऍप्लिकेशन मध्ये इन्कॉर्पोरेट करायचं जास्त असत आणि फास्टेस्ट होण्या प्रयत्न करू. थँक्यू. अभी आप डीएस वडेर को बुला के अपना आगे का कार्यक्रम करिए. ठीक है ठीक है. तो देखा आपने किस तरह से जो वेजिटेबल्स और तमाम किसानों की चीज वो डायरेक्ट कैसे डायरेक्ट लोगों के घरों में मिले, हाउसिंग सोसाइटी मिले, उस तरह की एक संकल्पना है ये. मैं आगे एक वीडियो दिखाना चाहूंगा आयुष्मान खुराना का, किस तरह से कोविड-19 के पेशेंट बढ़ रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं हम सब लोग कि ज्यादा से ज्यादा ना निकले. तो उसके बाद आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डीम कन्वेंस के बारे में, मानव अभी हस्तांतरण, उसके बारे में मैं इन्वाइट करूंगा. पहले वीडियो दिखाने के बाद एडवोकेट डीएस वडेर, सेक्रेटरी मुंबई हाउसिंग फेडरेशन. पहले वीडियो विशाल बामने. सामने वाली बिल्डिंग कुछ दिन पहले सील हो गई, सबसे आस पड़ोस के लोगों की जिंदगी थोड़ी तब्दील हुई. उसी बिल्डिंग के नीचे वाली दुकान से तो घर का सामान आता था. वो बीमारी के बारे में कुछ दिन पहले बता देता तो क्या जाता. आज हम डरे हो, जीवित है पर मरे हो.
आज लगता है कि काश कर दे सब कुछ ठीक दुनिया को करके रिवाइंड. बिलीव मी दिस इज नथिंग बट द कलेक्टिव कर्म ऑफ ह्यूमनकाइंड. सलाम है उसको जो सड़कें साफ करता है, कचरा लेकर जाता है, घर का सामान लेकर आता है और फिर अपने घर जाता है. हमने उसको वो इज्जत दी नहीं. हम पैसे वाले हैं, हमारे बाप का क्या जाता है. और वो बेचारा डरता है कि कोरोना वायरस उसके परिवार को ना हो जाए, अपने बच्चे को छू नहीं पाता है. ये अमीर गरीब का इंसानियत से परे का नाता है. इस देश को गरीब ही चलाता था, गरीब ही चलाएगा. हमें समय भी सब सुविधाएं गरीब ही दिलाएगा. जब ये सब ठीक हो जाएगा ना तो लोगों को इज्जत देगा. कोई काम छोटा नहीं होता, ये बात अपने पल्ले बांध लें. आज डॉक्टर, नर्सेस, पुलिस, हमारा सिक्योरिटी गार्ड ये सबसे ज्यादा काम के. हम जैसे बॉलीवुड हीरो है बस नाम के. हम बस पैसे दे सकते हैं, हथियार दे सकते हैं, पर लड़ना उनको, उन्हीं को सब कुछ सहना है, सिर्फ घर पे रहना है. आपको तो सिर्फ घर पे रहना है. तो देख सकते हैं किस तरह से आयुष्मान ने भी कहा और तमाम जो अपील कर रहे हैं, कृपया अपने घर में रहें, सेफ होम, स्टे होम और स्टे सेफ. तो इस तरह की अपील कर रहे हैं. और आदमी आज जो फ्रंट पे आकर कोरोना वायरस के रूप में तारीफ पे काबिल काम कर रहे हैं, महासेवा, और हमारे महासेवक तमाम उन ऐसे लोगों को सैल्यूट करते हैं. और COVID-19 की फाइट में हम लगातार लगे हुए हैं. दोस्तों आज हमारा जो सब्जेक्ट है, आज जो हमारा विषय है COVID-19, फाइट टू COVID-19 तो है, लेकिन साथ ही हम बात कर रहे हैं एक बड़े अच्छे मुद्दे पर मुंबई और तमाम महाराष्ट्र के लिए, डीम कन्वेंस, मानव अभि हस्तांतरण. जो इस सब्जेक्ट पर मैं बुलाना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा, स्पीकर हैं, एज ए स्पीकर हमारे एडवोकेट DS वाडेर, सेक्रेटरी है मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के. वाडेर जी नमस्कार, स्वागत है आपका. वडेर साहब, ये तो ऐकला सर. प्लीज अदर लोग अपना वॉल्यूम म्यूट रखेंगे प्लीज सर. ओके सर, बोला सर. तो फोन दे रहे हैं. व्हाट इट सर, बोला सर, आवाज येतोय तुमचा? येतोय, बोला बोला. वडेर साहब आपको देख रहे हैं हम वीडियो में भी और आपकी आवाज भी सुन रहे हैं, आप बोलिए. गो अहेड वडेर साहब. मेरा आवाज है क्या सर? बिल्कुल आ रहा है सर. सर तुम्हें शुरू करा, आवाज भी आ रहा है, आपका चेहरा भी दिख रहा है, आपका चेहरा भी दिख रहा है, आवाज भी आ रहा है, बताइए. आवाज आ रहा है वडेर साहब, आपका आवाज भी आ रहा है, वीडियो भी दिख रहा है. आप शुरू कीजिए. आपका आवाज को तो सही है, आवाज आ रहा है आपका, तो का आवाज आ रहा है, आप शुरू कीजिए. तो आवाज आ रहा है सर, आवाज आ रहा है. आप सर आपका लेक्चर शुरू करा. वडेर सर, विशाल बोलतो है, तुमचा वॉल्यूम व्यवस्थित येतो है, तुम्ही बोला, तुमचं लेक्चर चालू करा, आम्हाला इकडे ऐकायला येईल सर, काही प्रॉब्लेम नाही. वडेर सर,
उनको फोन करके बता दो ना। विशाल बामले आप एक फोन कनेक्ट करें उनको और उनको बताएं कि आपका आवाज और वीडियो दोनों आ रहा है। अच्छा, तब तक एडवोकेट विनोद संपत है, आप उनको डिम कन्विंस के बारे में थोड़ा जानकारी देने को बोलिए। विनोद संपत जी, विनोद संपत जी हमारी आवाज सुन रहे हैं आप? जी नमस्कार विनोद जी, नमस्कार। आवाज आपका म्यूट है, म्यूट है, प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। किया मैंने, या कैन यू हियर मी नाउ? यस सर, कैन यू हियर मी? 1 2 3 यस सर, यस सर, आ रहा हूं। डीम कन्वेंस के बारे में जरा बताइए विनोद जी। यस, देखिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो क्या है कि आज सबके पास कोर्ट में जाने का टाइम नहीं रहता है। अभी कन्वेंस लेने के लिए वेरियस ऑप्शंस है, यू कैन गो टू द सिटी सिविल कोर्ट, यू कैन गो टू डीम कन्वेंस बिफोर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, दैट पावर इज डेलीगेटेड टू द डीडीआर, एंड यू कैन गो टू कंज्यूमर कोर्ट। ईच वन ऑफ देम हैज गॉट इट्स ओन बेनिफिट्स। डीम कन्वेंस जो है उससे अपने को 3 stages में होता है। एक तो अपने को डीडीआर से सर्टिफिकेट लेना है, वो सर्टिफिकेट लेके बाद में अपने को रजिस्ट्रार के पास, सब जॉइंट सब रजिस्ट्रार के पास जाना है। वो जॉइंट सब रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद में अपने को सिटी सर्वे ऑफिस में जाके वो प्रॉपर्टी जो है वो रिकॉर्ड पे करवा लेना है। अल्टीमेटली यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि आपका फोकस एक ही है कि प्रॉपर्टी कार्ड में आपका नाम आना चाहिए। डीम कन्वेंस इज वेरी गुड इफ यू वॉन्ट टू गो शॉर्टली फॉर रीडेवलपमेंट ऑफ द बिल्डिंग, क्योंकि क्या है जब रीडेवलपमेंट की बात आती है तभी किसी के पास टाइम नहीं रहता है, और जब टाइम नहीं रहता है तब चाहे दूसरा चीज उससे ज्यादा भी अच्छा है पर क्विकली आ रहा है तो उसको ऑब्वियसली अपने को बेनिफिट देना ही चाहिए, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। पर समझो 5 साल के बाद में आपका सोसाइटी को रीडेवलपमेंट में जाना है, इन दैट सर्कमस्टेंसेस आई विल रिकमेंड यू टू गो टू कंज्यूमर कोर्ट्स। व्हाई आई विल रिकमेंड यू देयर, बिकॉज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डीम कन्वेंस में सपोजिंग मल्टीपल सोसाइटीज है तो आरजी एरिया और कॉमन एरियाज है तो वो जजमेंट है मजदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। सेकेंडली ये 3-tier सिस्टम हो जाएगी। डीम कन्वेंस का एक सर्टिफिकेट लेने का, वो सर्टिफिकेट लेने के बाद में अपने को जाने का सब रजिस्ट्रार के पास में, और थर्ड स्टेज है सिटी सर्वे ऑफिस। इफ यू लुक एट द प्रोविजंस ऑफ लॉ सेक्शन 11 इज वेरी वेरी क्लियर, प्रमोटर टू कन्वे संपत जी आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, ऑडियो आपका ब्रेक हुआ शायद आपका एयरफोन या स्पीकर, आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा अभी। विनोद संपत जी आपका ऑडियो ब्रेक हो रहा है, प्लीज प्रॉपर करें आपका एयरफोन। ऑफ द जजमेंट इज कन्वेंस का डॉक्यूमेंट के लिए अपने को सिग्नेचर भी नहीं करना है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेलर to give this the conveyance. Are you able to hear me? Because I am getting a message. Yes, yes. It is not clear. Yes, 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 okay. Yes, sir. Yes, so sir. Continuing, continuing on the same topic, आपको प्रॉपर्टी कार्ड में आपका नाम आना चाहिए, यही आपका मेन फोकस होना चाहिए। आपको यहाँ से एक मंजिल पे जाना का है, उसके लिए आप सेंट्रल लाइन लो, वेस्टर्न लाइन लो या फ्लाइट लो, वो आपका चॉइस है, बट अल्टीमेटली to reach the destination is the most important thing. और उसमें मेरी राय ये है कि if your society wants to go for redeem convey for redevelopment shortly, you have to give preference to deem conveyance. Else you have to give preference to consumer court. इसमें भी एक दो points अपने को ख्याल रखने हैं कि deem conveyance है ना, उसमें थोड़े forms ही भरने हैं society को। जितने भी आगे के owners है वो सबको party बनाना है। जब भी वो मैटर्स हियरिंग में आते हैं डीम कन्वेंस के लिए तो अपना एक ही स्टैंड होना चाहिए कि मैंने पैसा दे के ये प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी कार्ड में ए के नाम का है जगह, ए ने समझो बी को हेलो
विनोद संपत जी आपका आवाज फिर से ब्रेक हो रहा है, आवाज नहीं आ रहा आपका। यस एनएससी को भेजा है तो वो सुनाई बड़े जी आ गए आप वडेर जी वापस। हाँ वडेर जी से बात हुआ है अभी। वडेर सर यस वडेर सर थैंक यू विनोद जी अभी फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे। मिस्टर वडेर वडेर सर बोला सर। हाँ सर बोला वडेर सर बोला तुम्ही आवाज येतोय तुमचा। वडेर साहब का ऑडियो अनम्यूट म्यूट तो नहीं है अनम्यूट है नहीं नहीं म्यूट नहीं है बात किया है। यस यस नहीं है वीडियो नहीं आ रहा उनका वीडियो नहीं आ रहा। हेलो हां सर तुम चाहो हां हेलो हां बोला सर। वडेर साहब तुमचा आवाज बराबर येतो सर तुम्ही लेक्चर द्यायला सुरू करा ना प्लीज। आता येतो आवाज येतो बोला बोला डीएस वडेर साहब मिस्टर हाँ डीएस वडेर साहब शुरू कीजिए गो अहेड शुरू करा तुम्ही। हाँ यस यस शुरू करा। हाँ बोला बन में आता बोलूंगा डीम कन्वेंस साथी। हाँ बोलिए सर। यस यस मैं हाँ बोल रहा हूँ। हाँ आवाज बराबर येत नाही सर मुंबई। हां तर या डीम कन्वेंस मतलब आतो मीटिंग ऐकवता का मीटिंग लिहिले आहे। मी खरोखरच रमेश प्रभू आणि त्यांचे सगळे असोसिएट्सचे आभार मानतो। हो ऐकला येतो सर गो अहेड गो अहेड। हां तर मला म्हणायचं आहे डीम कन्वेंस आहे हॅलो ते बोलतात। हा या सर बोला बोला तुम्ही सर। हा ऐकला ऐकतोय बोला सर। तुमच्याकडे इयरफोन नाहीये का? इयरफोन नाहीये नाहीये। हा फोन जरा जवळ ठेवून बोला ना सर स्पीकर फोन ऑन ठेवून जरा जवळ करून बोला। अभी आपने अपना ऑडियो म्यूट कर दिया है म्यूट कर दिया उसको अनम्यूट कीजिए सर। आपने अपना मुझे यहाँ दिख रहा है आपका जो ऑडियो है ऑडियो वो म्यूट कर दिया आप अनम्यूट कर दिए सर म्यूट हो गया वो ऑडियो। आपका जो ऑडियो है लेफ्ट साइड में वो म्यूट हो चुका है आपका आवाज नहीं आ रहा। यस हाँ ओके ओके गो अहेड गो अहेड। अभी आता बोला सर आता बोला। हाँ आता ऐकला येतो प्लीज गो अहेड। यस हाँ रमेश मी तुमचा आभारी आहे खरं बघायला गेलं तर हा डीम कन्वेंशन विशेष आज ठेवलेला आहे। तर या डीम कन्वेंशन संदर्भात मला असं म्हणायचं आहे नंतर जाणार उशिरा डीम कन्वेंशनचा जो विषय आहे हो हो तो सर्वसाधारण लोकांना माहिती होणं अत्यंत आवश्यक आहे। बरोबर आहे हा त्यातल्या त्यात सेक्रेटरी चेअरमन हा या सर्वांचे ह्याच्यामध्ये बरोबर माहिती असणं आवश्यक आहे। खरं म्हणजे हा डीम कायद्याचा कायदा जो झालेला आहे तो 1963 साली झालेला आहे। बराबर इंग्लिश ऑल्सो या गो अहेड। दिस इज महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट रेग्युलेशन अँड प्रमोशन कन्स्ट्रक्शन सेल्स अँड ट्रान्सफर मॅनेजमेंट ऍक्ट जो आहे हा अत्यंत महत्वाचा असा ऍक्ट आहे। महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट वॉज द फर्स्ट स्टेट हू हॅज इनिशिएटेड दिस ऍक्ट इन द 1963 हिअरबाय प्रायर टू दॅट the builder complicated issues they are raising and because of correct. That the people are they extracted money from him. Yeah yeah now it is a very good thing that since 1963 till 2007
not a single government has taken any initiative in implementing this act on the alternative, whereas there is an act, it is provided that the society shall go for them, go for it, conveys, or if builders not implement that. यस सर, जरा जवळ जवळ बोला सर. Nearby, the passer will share with the rest authority or in okay any authority which is appointed by the government. As a 25th February 2008, rules have been framed in the year 2010. As for the this amendment act, the conveyance of the property is made very easy. Ultimately, the builders are enjoying the title of the property. And they started the first yeah, some general liabilities have been fixed upon the promoters because of general liabilities the promoter actually exit the agreement with the bill. Just title of the property and the title of the property is to be offered the solicitors or the kids. These are the preconditions before entering to the agreement of the sellers. Are you listening? What did sir bola tumhi tumcha ami aikto ha aikto ami tumhi ek kaam kara what did sir तुमचा इंटरनेटचा पण प्रॉब्लेम येतोय तुम्ही तुमचा व्हिडिओ स्टॉप करा व्हॉल्यूम तुमचा एकदम अजून जास्त क्लियर आहे व्हिडिओ स्टॉप कर व्हिडिओ स्टॉप कर कॅमेरा व्हिडिओ व्हिडिओ काय बंद करू मी हा व्हिडिओ स्टार्ट व्हिडिओ बंद करा कॅमेरा बंद करा कॅमेरा बंद करा म्हणजे स्टार्ट व्हिडिओ आहे ना माइकच्या बाजूला स्टार्ट व्हिडिओ आहे तो बंद करा आता बोला सर तुम्ही आता तुमचा व्हॉल्यूम व्यवस्थित आहे हाँ बस बस Hello. बोला सर तुम्हें हाँ आता बोला सर आता ऐकल येतोय बोला हाँ certification I would CC to the purchasers and whatever the copies true copies are to be required to be submitted to the then the section 4 is very important when the builders promoters are accepting the deposits that time they have to accept the deposit that or the on the name of the society thereafter the as per section 6 the builder has to maintain the separate account from for the amount which has been received from the purchasers that the builders are not maintaining till today and that is why the members or the society are not getting any accounts from the builders title was only attached with the agreements but the real titles certificates and other documentations
day to day problems. Once the plans there are, the section 7 is there, whatever the means, section 6 is very important, whatever the property that has, section 7 is very important. Once the plans have been sanctioned by the authority, local authority, then the builder promoter shall not make any alterations, additions, amendment in the plans unless without the consent therein. It is one of the alternative given to the purchaser's aid with the interest as mentioned therein. During the course of the project, it is also mentioned in the section 9. Are you listening? Hello? Hello? Yes, sir. Please go ahead. We are listening very carefully. Please go ahead. Please go ahead. Vadher sahib, bola bola, aiku yete, bola. वडेर साहब, आपका ऑडियो म्यूट हो चुका है. ऑडियो म्यूट कर दिया आपने. वडेर साहब, आपका ऑडियो म्यूट हो चुका है. प्लीज अनम्यूट कीजिए इसको. आपका यहाँ से मैं देख रहा हूँ, आपका जो ऑडियो है लेफ्ट साइड में वो म्यूट हो चुका है. आवाज नहीं आ रहा आपका, आपका वॉइस नहीं आ रहा है. आप अपना म्यूट है उसको अनम्यूट कीजिए सर. वापिस आपने अपना ऑडियो म्यूट कर चुके हैं. प्लीज अनम्यूट सर. हेलो. यस यस यस, आपकी आवाज अब आ रही. अब आ रही, गो अहेड. आवाज आ रही? हाँ, अभी आ रही, अभी आ रही सर. आप बोलिए, बोलिए सर, गो अहेड. बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी? बॉडी साहब, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी. बोलिए, गो अहेड. वडेर साहब, मिस्टर डीएस वडेर, हेलो, मिस्टर डीएस वडेर, वडेर साहब आपकी आवाज आ रही है? बोलिए ना. वो मिस्टर डीएस वडेर साहब, आपने वापिस फिर से अपना जो ऑडियो है वो म्यूट कर दिया है. अपना ऑडियो फिर से आपने म्यूट कर दिया है, इसलिए आवाज नहीं आ रही आपकी. आप अपना ओके. हेलो, मैं 10 मिनट बताता हूँ और उसके बाद सवाल जवाब ले लेते हैं. वडेर साहब का म्यूट करो. अब डीम कन्वेंस के लिए म्यूट है सर. अभी डीम कन्वेंस के लिए मानव अभी हस्तांतरण जिसे बोलते हैं, डीम कन्वेंस के लिए जो ड्राफ्ट बनाए हाउसिंग कमेटी में ऑलरेडी गवर्नमेंट की करता धरता ऐसे शख्स को बुला रहा हूं, मैं इनवाइट कर रहा हूं. हाउसिंग गुरु सीए रमेश प्रभु जी, महासेवा के चेयरमैन रमेश प्रभु जी ज्यादा जानकारी देंगे डीम कन्वेंस के बारे में. रमेश प्रभु जी बताइए. धन्यवाद. मैं बहुत खेद से बता रहा हूँ. आई एम वेरी सॉरी, बिकॉज ऑफ सर्टन टेक्निकल इश्यूज वी कुड नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ डीएस वडेर, हु वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट कमिटी.
एंड राइट नाउ ही इज द अर्लियर ही वॉज अ चेयरमैन नाउ ही इज अ सेक्रेटरी ऑफ मुंबई हाउसिंग फेडरेशन डेफिनेटली वी विल टेक हिज हेल्प वी विल टेक हिज हेल्प नेक्स्ट टाइम एंड नाउ आई विल प्रोसीड टू स्टार्ट विद वॉट इज डीम्ड कन्वेंस Deemed conveyance is nothing but it is deemed to have been conveyed. Now, why this deemed to have been conveyed? What happens is, as per the Maharashtra Ownership Flat Act, MOFA, under Section 11, builder is required to give the conveyance of land and building in the name of the society. That land and building he has to give within 4 months from the formation of society. If he is not giving within the statutory period, then it will be deemed that the conveyance has been given. Now the question arises, if it is deemed to have been conveyed, then how we will get the actual conveyance? Yes. In order to get the actual conveyance, government has given a power of attorney on behalf of this delinquent promoters, builders, landowners, who do not cooperate to give the conveyance. That authority has been given to none other than district deputy registrar. What district deputy registrar does? District deputy registrar, on the basis of the application received from the on the basis of the application received from the society, they go and conduct the hearing of the all interested parties, including builder, landowner. And thereafter, what happens is the conveyance is granted. Now, the reasons which normally builders say that we have not received the money from the flat owner, the plot is not subdivided. So many reasons they will say, but those reasons become immaterial. Landowners also may say that builder has not given me the flat which he was supposed to give. He has not given me the consideration which he was supposed to give. In spite of all these reasons, the statute says it is an obligation under Section 11 of MOFA to give the conveyance within 4 months. If it is not given, it is deemed to have been conveyed. So therefore, under the statute itself, it has been conveyed. Now, in order to have the conveyance deed duly registered and to sign on behalf of the landowner and builder, DDR has been given a delegation of power by a statute as well as by the delegation of power. Once, after the hearing is done, a recent order is passed by the competent authority, that is DDR. What builder has said, what landowner has said, what society has said, or if there are any interested parties, what they have said, and then why the claims made by builder, landowner, or any other interested parties are not proper. Discarding all that, in 90% cases, the conveyance is granted. He passes an order under Section 11 saying that I am satisfied that society is now required to give the conveyance, and therefore on the order he authorizes the society to prepare a conveyance deed and submit to him based on all the documents submitted so that he will sign on behalf of landowner and builder. Now, he being a gazetted officer, his presence is not required before the sub-registrar, so therefore he is exempted. He gives a letter to the sub-registrar saying that I already granted the deemed conveyance to so-and-so society. The conveyance deed has been prepared, which I have approved, and as an approval, I have signed at the end of the conveyance deed on behalf of landowner and builder. I am exempted under Section 88 of the Registration Act to appear before the sub-registrar, being a gazetted officer. And with all that, he gives a covering letter, and then society pays the stamp duty on that conveyance deed, along with property card and all the agreements, whatever is there, their stamp duty registration proof.
then it gets adjudicated. If there is any difference in the stamp duty will be demanded by the collector of stamps. The society will have to pay. Question arises, what is the stamp duty? Yes, if we have 100 flats, if all the flat owners have paid the stamp duty on their respective agreement, at the time of conveyance, they have to pay only 100 rupees as a stamp duty, because that is a token amount. In case out of 100 flats, 98 people have paid the stamp duty, two people have not paid, or they are not able to give the proof. So two people, proof can be given. This way, if they don't give the proof, the collector of stamps will come out with a demand notice, and the stamp duty will be collected as per the old value. Whatever is the old value at the relevant time, on that stamp duty will be collected and demand notice will be issued. And once you pay the demand note to the collector of stamps, stamp duty, then society chairman secretary can go and take the appointment from the sub-registrar and get the conveyance deed registered on the basis of the covering letter given by the DDR, competent authority. And conveyance deed gets registered by paying 30,000 as a registration fee. Once conveyance deed is registered, then the certified copy of index 2, certified copy of the conveyance deed can be submitted to the city survey office or the Talati office, where 712 extract is maintained or property card is maintained in city survey office. On the basis of that document, city survey officer, without making any hearing, without calling anybody, enters the property card in the name of society. This entire process happens over a period of 1 year. If you ask me what could be the expenses, yes, 2000 court fee to apply for the deemed conveyance application. All the documents like property card, agreement for sale, approved plan, list of members, resolution to go for deemed conveyance, legal notice issued to the builder, all this should be attached. And online, this application has to be made online on the government website, Apla Sarkar. And once you make an application on online, the deemed conveyance application number will be put, then the registrar will go through. If they find that some documents are still required missing, they will issue a notice to the society asking them to comply with the additional document. Once additional documents are given, everything is in place, court fee of 2000 is paid, registrar will issue notice to the builder, landowner, and builder and landowners are not traceable, then the registrar will issue public notice. In spite of that, nobody comes, naturally, there will be ex parte order which will be passed. And sometimes it is said that landowner is expired. In that case, the legal has can be made as a party. If you are aware, if you are not aware whether he is expired or alive, then you can make the name which is there in the property card and the name which is there in the agreement. If there is a partnership form which is dissolved, you can make the partners as the party. And if you are not aware whether it is dissolved or not, you can make the same partnership form as a party. What is more important is making an application, conducting a hearing, then getting the order. All this process, as per the Maharashtra Public Service Act 2015 and also under Section 11 of MOFA, all this process has to be completed within a period of 6 months. Registrar cannot take it more than 6 months. And thereafter, what happens is the conveyance deed will be, conveyance order will be passed. Based on the conveyance order, conveyance deed will be prepared, stamp duty will be paid, registration will be done, property card will take place. And after the conveyance order is passed by the DDR, District Deputy Registrar, till the property card changes, maybe another 6 months. So this way, it's a overall period of 1 year. So 2000 is the initial court fee, uploading information online, appearing before the registrar, and then whatever stamp duty has to be paid, registration fee is 30,000,
stamp duty can be 100 rupees if everybody has paid the agreement for sale stamp duty. If somebody is not paid, that will have to be paid as per the old value. And many people who have taken the amnesty scheme benefit, they don't have to pay any further stamp duty. This way, one can become the owner of land and building. This is actually a boon to the society. It started on 27 September 2010. I can only tell you that in the year 2002 onwards, up to 2010, that is 8 years, we have been constantly after the government. And in the process, I was fortunate to meet number of CM, whether it is Vilasrao Deshmukh, whether it is Sushil Kumar Shinde, or thereafter Ashok Chavan, Prithviraj Chavan, Devendra Fadnavis, then Cooperative Minister, Housing Minister, then of course almost all the IAS officers, Cooperative Commissioner, Housing Secretary, then up to the level of President of India. I was fortunate that 3 days I was at Rashtrapati Bhavan and I was their guest and we discussed threadbare, and ultimately the law was enacted in the year 2008, 25th February 2008, and in 2010 the law saw its life. And from 2010 till today, last 10 years, about 7 to 8,000 housing societies across Maharashtra have received the deemed conveyance. More than 4,000 societies have got the property card in their name. More than 1,000 societies have gone for redevelopment. All the benefits of redevelopment is available to the society, even under deemed conveyance. There is a myth that by going for a deemed conveyance, you don't get able to get a redevelopment benefit. You are not able to get the TDR benefit. You only become a hypothetical owner, fictitious owner. You don't become an actual owner. All these are myth. There is nothing like that. It is a law of the land. And I can only tell you that number of societies have gone to High Court. Matters have gone to Supreme Court. Maybe right now, till date, 500 matters must have gone to High Court, out of which nearly 450 matters are dismissed. Only 50 matters have been admitted by the Honorable High Court. The reason is the address given by the respondent is unknown. You cannot write address is unknown. The landowner name unknown. You are writing, we don't have the document, so CTS number is unknown. And in few cases where society is in a layout and they are entitled for 2,000 square meter, but they have asked for 5,000 square meter. So wherever they have asked wrong, such matters have been dismissed. Otherwise, High Court have confirmed more than 450 cases. Around 5 to 6 matters have gone to High Court also, from Supreme Court also. And I am fortunate to handle many of such cases in the High Court and Supreme Court through our counsel. I am very happy to say that even in the Supreme Court, the order of the High Court and the registrars have been upheld. Deemed conveyance constitutional validity has been upheld. And therefore, one should look into going for deemed conveyance. मैं आपको इतना ही बताऊंगा. डीम कन्वेंस के ऊपर हमने 6 किताब लिखा है, 6 अलग अलग किताब है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 6. पहला किताब 1000 पेज का है, दूसरा ऑन राइट टू इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी कार्ड, तीसरा वेरियस जजमेंट्स, चौथा वेरियस लीगल प्रोविजंस नोटिफिकेशंस. तो 6 किताब हमने लिखा है और ये पब्लिश हो चुका है, इंग्लिश और मराठी में दोनों में लिखा है. ऑनलाइन में ई बुक के हिसाब से आप ले पाएंगे. दूसरा, हम अभी ऑनलाइन में डीम्ड कन्वेंस का, जिसको प्रोफेशनल को, जिनको समझना है,
या हाउसिंग सोसाइटी ऑफिस बेरो को समझ जाए, हम ऑल्टरनेट डेज का 1-1 आवर सेशन का 1 महीने का डीम कन्विंस, मतलब 15 लेक्चर डीम कन्विंस में रखेंगे, जिसका कीमत है 15,000 रुपया 15 लेक्चर का। लेकिन ये लेक्चर सुनने के बाद आपको मैं आश्वासन दूंगा, उसमें हम मटेरियल भी देंगे, जो किताब 2,000 रुपये का डीम कन्विंस का किताब भी देंगे, और ये 15,000 में आपको प्रोफेशनल को या आम ऑफिसर, आम जनता डीम कन्विंस का खुद का प्रैक्टिस कर पाएंगे। जो सर्टिफाइड ऑडिटर है, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, प्रोफेशनल्स हैं, जो रिटायर्ड बैंकर हैं, जिनको डीम कन्विंस का प्रैक्टिस करना है, मैं उनको बताऊंगा 15 लेक्चर 15 घंटे का, 1 आवर ईच, हर दिन 30-30 मिनट का 2 लेक्चर होगा, और 15-20 मिनट का गैप के बाद, और ये दोपहर में होगा, बुक मिलेगा आपको। इस कोर्स के ऊपर हम आपको 15,000 रुपये चार्ज करेंगे। यदि आप माँ सेवक है और आप हमारा मेंबर है, तो हम उसके ऊपर आपको 20% डिस्काउंट देंगे, इसका मतलब आपको फिर 12,000 में होगा। यदि आपने 6,000 रुपया CM रिलीफ फंड या PM रिलीफ फंड में दिया है, आपको 6,000 रुपये भी हम बात करेंगे, उसके बाद बचता है सिर्फ 6,000 रुपये आपको हमें देना पड़ेगा, और 6,000 में आपको 2,000 रुपये का किताब भी मिलेगा, 15 घंटे का लेक्चर मिलेगा, और आपको बाय ग्रेस ऑफ गॉड आप एक प्रैक्टिशनर बन के, आप मान लीजिए 5,000 रुपये भी पर मेंबर फीस लेते हैं, और मान लीजिए आपका 50 मेंबर का सोसाइटी है, तो आपको 2.5 लाख रुपये फीस मिल सकता है। आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक सिर्फ मेहनत करना है, लेकिन ये बड़ा सर्विस होगा आपका सोसाइटी के लिए। जितने भी फेडरेशन का पदाधिकारी है, जो लोगों को गाइडेंस देना चाहते हैं, उनको मैं बताऊंगा ये डीम्ड कन्विंस का आप लेक्चर सुनिए, और जो लेक्चर सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उनको हम वीडियो का लिंक भी देंगे, ताकि वो बार बार लेक्चर सुन पाएंगे, अपना एप्लीकेशन करना, किस तरह से रिप्लाई देना, उसका रिप्लाई के बाद पिटीशन क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा। ये ऑनलाइन कोर्स हम अगले 2 दिन में चालू करेंगे, और जिनको भी इसमें आना है, हम एक फॉर्म डिक्लेयर करेंगे, आप अपना नाम और एड्रेस करिए, और ऑनलाइन में पेमेंट करके आप एनरोल कर सकते हैं। फ्रॉम नेक्स्ट मंडे कोर्स विल स्टार्ट। दूसरा, यदि कोर्स आपको नहीं करना है, आप YouTube में जा सकते हैं। YouTube में लगभग 50 लेक्चर मैंने डीम कन्विंस के ऊपर दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। अपना YouTube लेक्चर में महासेवा न्यूज चैनल में आपको सेम वीडियो अलग अलग बार, पब्लिक सेमिनार है, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है। अभी आपको जो हम सिखाएंगे 6 बुक का स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होगा, सिस्टमेटिक होगा, और आपका सवाल जवाब होगा, क्योंकि 30 मिनट्स लेक्चर होगा, 30 मिनट्स सवाल जवाब होगा। आपको हैंड होल्डिंग होगा, अलग अलग फैकल्टी आके आपको सिखाएंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ रमेश प्रभु सिखाएगा आपको, अलग अलग रजिस्ट्रार, जो डीम्ड कन्विंस रजिस्ट्रार है DDR, वो भी उस लेक्चर सीरीज में आएंगे। हमारा मकसद ये है, एक तो आपको घर बैठे बैठे आपका कैपेसिटी बढ़ाना, दूसरा आप घर बैठे बैठे सीखने के बाद कैसा डीम्ड कन्विंस कर पाएंगे, तीसरा आप जो है इस बहाना से आपका लर्निंग हो जाएगा, गवर्नमेंट को COVID-19 का फाइटिंग करने के लिए आप 50% फीस भी जो है डायरेक्ट PM रिलीफ फंड में दे पाएंगे, अपना नॉलेज बढ़ा पाएंगे, अपना प्रैक्टिस बढ़ा पाएंगे। तो इस तरह से आपको हम रजिस्ट्रार का कनेक्टिविटी करके देंगे, आपको प्रोफेशनल का कनेक्टिविटी करके देंगे, बुक देंगे, वीडियो देंगे, वीडियो बार बार आप सुन सकते हैं, आपका स्टाफ को दे सकते हैं, ताकि आप एक बार 15,000 रुपये दिया या 20% डिस्काउंट लेके 12,000 दिया, 6,000 CM रिलीफ फंड में 6,000 हमें दिया, तो इस हिसाब से आपका एक बहुत बढ़िया सर्टिफिकेट कोर्स होगा, आपको महासेवा से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।
ये लिमिटेड टाइम में हम बहुत कुछ बता नहीं पाएंगे, मैं आपको हिंदी में इतना ही बताऊंगा। डीम कन्वेंस एक प्रावधान है सिविल कोर्ट कंज्यूमर कोर्ट में न जाते हुए आप रजिस्ट्रार के मार्फत अपना सोसाइटी का कन्वेंस करके ले सकते हैं। 6 महीने का प्रक्रिया है, आपको एप्लीकेशन देना है, प्रॉपर्टी कार्ड, आपका फ्लैट का डॉक्यूमेंट देना है। 6 महीना हियरिंग होने के बाद आपको ऑर्डर मिलेगा, ऑर्डर के हिसाब से आप अपना डीम कन्वेंस वन साइडेड बनाएंगे, रजिस्ट्रार बिल्डर और जमीन मालिक की तरफ से साइन करेगा, उसके ऊपर आप स्टैम्प ड्यूटी भरेंगे, यदि सबने स्टैम्प ड्यूटी भरा है तो 100 रुपये स्टैम्प ड्यूटी आएगा, फिर 30,000 रजिस्ट्रेशन फी करेंगे, फिर प्रॉपर्टी कार्ड में आप नाम चेंज करके लेंगे। ये पूरी प्रक्रिया आपको 1 साल में हो सकता है, आपको प्रोफेशनल का हेल्प लेने का जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रार सोसाइटी अपना जनरल बॉडी में या मैनेजिंग कमेटी में चेयरमैन सेक्रेटरी को अधिकार देके ये आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल ये है करोड़ों का प्रॉपर्टी है, आप करोड़ों का रीडेवलपमेंट करने वाले, यदि प्रोफेशनल का हेल्प लेते हैं वो आपके लिए अच्छा ही होगा। ये सवाल आता है क्या बिल्डर चैलेंज करेगा, जैसा मैंने बताया अभी तक जो भी 6,000-8,000 सोसाइटी हुई है उसमें 5% लोग ही हाईकोर्ट में गए हैं, मतलब 95% में कोई दिक्कत नहीं आया, और 5% यदि दिक्कत होता है हमें उसको फेस करना है। आखिर में सालों हो गया, 10 साल 20 साल हो गया, आपने करोड़ों रुपया बिल्डर को दिया, आपका जमीन आपके नाम पर नहीं है, आपका बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते, आप जमीन का मालिक नहीं हो, तो इसके लिए आपको वो करके लेना है। मैं एवढं सांगेन, मानवी अभ्यासांतरण एक चांगला उपक्रम शासनाने आपला दारात दिलेला आहे, ह्याचा पूर्ण फायदा आपल्याला घ्यायला पाहिजे। डीम कन्व्हेन्स करण्यासाठी आम्ही कोर्सेस सुरू करू, त्या कोर्सेसमध्ये तुम्हाला नोट्स देऊ, फक्त आम्ही 1 महिन्याचा कोर्स 15 लेक्चर असणार, 30 लेक्चर असणार आहेत अर्धा अर्धा तासचा, तर 30 लेक्चरसाठी फक्त 15,000 रुपये घेणार आहेत, त्याचं पुस्तक देणार आहे, त्याचं रेकॉर्डिंग देणार आहे, तुम्ही वारंवार ऐकू शकतात आणि आपला मास्टरी करू शकतात आणि तुम्ही डीम कन्व्हेन्सचा प्रॅक्टिस करू शकतात। मी एवढा म्हणेल, महाराष्ट्रामध्ये 1 लाख हाऊसिंग सोसायटी आहे, अजून नवीन हाऊसिंग सोसायटी येत आहेत, काही आपला अपार्टमेंट ॲक्टमध्ये ते सोसायटी कन्व्हर्ट होत आहेत, काही रिडेव्हलपमेंटला जायला इच्छितात, तर जवळपास अजून 1 लाख बिल्डिंगचा जेव्हा आपण अपार्टमेंटला कन्व्हर्ट करून सोसायटी करतो, किंवा आता 60,000 ते 70,000 सोसायटी, 70% हाऊसिंग सोसायटी अजून डीम कन्व्हेन्स झालेला नाही आहे, आपण हे सर्व करून घेता येईल, एक चांगला इन्कम करण्याचा प्रोफेशनलला एक संधी मिळेल, सोसायटीला आपला जमीन आपल्या नावाने करून घ्यायची संधी मिळेल, आणि कोणाचा काही प्रश्न असेल मी घ्यायला तयार आहे। सुनील जी धन्यवाद। यस सर धन्यवाद। प्रभू सर आपने एक बड़ी सटीक गागर में सागर भरने जैसी इन्फॉर्मेशन दी है डीम कन्वेंस के बारे में, क्योंकि जमीन जो फ्लैट ऑनर्स हैं, जो आप एग्रीमेंट किए हैं, उनका जो जमीनी मालिकाना हक का जो अधिकार है, मानव अभी हस्तांतरण जिसे बोलते हैं डीम कन्वेंस, वो भी होना चाहिए, और वो सरकार का एक मजबूत कानून, प्रभु साहब और तमाम वडेर साहब जितने लोग हाउसिंग फेडरेशन के लोग, इनकी फाइट और इन लोगों के अभियान से, इनके प्रयास से आज डीम कन्वेंस हुआ है, और करीबन 10,000 हाउसिंग सोसाइटी को इसका लाभ मिला है, और कुछ हाउसिंग सोसाइटी पाइपलाइन में डीम कन्वेंस का फायदा लेने के लिए, और काफी आंदोलन वगैरह हम करते रहते हैं प्रभु साहब और हमारा महासेवा तमाम हाउसिंग फेडरेशन के साथ में महाराष्ट्र भर के हिस्से में डीम कन्वेंस को, ताकि लोग अवेयरनेस करते रहते हैं डीम कन्वेंस, हाउसिंग सोसाइटी आए डीम कन्वेंस के लिए। तो किस तरह से आप ऑनलाइन, दोस्तों ऑनलाइन इसका आप, ये जो लॉकडाउन का पीरियड है इसमें आप घर बैठे किस तरह से एज ए कंसल्टेंट प्रोफेशनल, जितने एडवोकेट सीए और तमाम लोग जुड़े हैं, वो कैसे ऑनलाइन आप 15 लेक्चर से इससे फायदा उठा सकते हैं। 30 लेक्चर है, 30 लेक्चर, आधा आधा घंटे का 30 लेक्चर है, आधा आधा घंटे के 30 लेक्चर है, और जब तक ये अप्रैल का मंथ है और ये मंडे से स्टार्ट है ना प्रभु सर, सोमवार मंडे से चालू है। या ये श्री गणेश हो रहा है, आप ज्ञान का जो डीम कन्वेंस के जनक जैसे आप प्रणेता रमेश प्रभु से डायरेक्टली, और हमारे जो स्पीकर रहेंगे वो कॉपरेटिव डिपार्टमेंट के रहेंगे DDR, उन लोगों से भी जो आप इसमें वो लोग बताएंगे इस बारे में डीम कन्वेंस के बारे में, तो आप घर बैठे किस तरह से इसका समय का आज का टाइम है सदुपयोग करना वो कर सकते हैं, और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में और पीएम केयर में मदद कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर घर बैठे। तो ये इस तरह की आप वडेर साहब को जरा सवाल करिए, यदि वडेर साहब आया है तो फेडरेशन ने क्या भूमिका निभाया है।
वडेर साहब, हाउसिंग हाउसिंग मुंबई हाउसिंग फेडरेशन की क्या भूमिका है टीम कन्वेंस के बारे में? हेलो, सॉरी सॉरी टू दिस वन, अभी सर आपका आवाज आ रहा है, अभी आवाज आ रहा आपका सर, सर अभी आवाज आ रहा आपका, बोलिए वडेर सर, तुम्ही काही करू नका, मी इकडे अनम्यूट करतो तुम्हाला, तुम्ही बोला फक्त। वडेर सर अनम्यूट करा तुम्हाला, आता म्यूट वर टाकले तुम्ही, काय होत आहे इकडे? मुंबई हाउसिंग फेडरेशन के आशीष गोयल जुड़े हुए हैं। अच्छा, आशीष गोयल से बात करिए, आशीष गोयल को पूछिए। आशीष गोयल जी, आवाज सुन रहे हैं? आशीष गोयल जी, आपका ऑडियो, ओके, केसी गर्ग को पूछिए, पिंपरी चिंचोड़ का सेक्रेटरी साहब है। हेलो, हाँ गर्ग साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, बीइंग ए सेक्रेटरी ऑफ पिंपरी चिंचवड फेडरेशन, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस रिलेटेड टू डीम्ड कन्वेंस एंड हाउ यू लुक एट इट एंड व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द ऑनलाइन कोर्सेस 30 लेक्चर्स दैट वी आर गोइंग टू कंडक्ट टू एम्पावर द सिटीजन एंड द ऑफिस बेयरर्स टू गो फॉर डीम्ड कन्वेंस? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी दैट यू आर प्रोवाइडिंग एंड आई think the cost is nothing in comparison to the input that we are going to get, and furthermore 50% of it is going to we can avail of the facility by making payment to the PM relief fund. So whatever offer from your side is there, that 30 lectures, some books and link, I think this is a golden opportunity. I would like to avail this opportunity. And next, are you able to hear? Yes, sir. Go ahead, go ahead. Yes, sir. Go ahead. Now, whenever I am interacting with the society, there is very less understanding on this deemed conveyance option that has been provided by the government. And since most of the secretary and chairman, they think that they have to go around to the DDR office several times. So everybody try to avoid getting their name nominated in the general body meeting, and that's why this keep on pending for years together, because nobody want to come forward. So there are two type of inputs that we have to give to chairman and secretary. Probably Pimpri Chinchwad Housing Federation will conduct one large meeting of chairman and secretary from the Pune societies. And there we will give focus on this, that only in last 20 year only 10 to 15% societies have got the conveyance or deemed conveyance, and a large chunk of it is still they have been denied the benefit of land, and the additional use of FSI is still getting used by the builder. I know there are couples of society around me where builder has started raising additional floors because they have not done the deep conveyance of the society. So I fully agree with you that we have to create a war against this. One is ignorance, then second is giving inputs to the chairman, aur fir unki ek chetna ko jagana hai ki bhai isme aage aaiye aap, isme kuch mushkil kaam nahi hai. If you are hiring a professional, then your role is only just signing the initial documents. Thereafter, everything is handled by the professional. And in a year's time, if you get in a year or year and a half, if you get the land in the name of the society, that is a lifetime benefit for all the residents. Sir, we have with us, thank you, sir. And we can have these online courses jointly with your federation. You talk to them. So we will make it as a joint program of Pimpri Chinchwad with Mahaseva, online courses. I will be very happy to take on you the board. Thank you. We have with us DB Patil, Dharinder Patil, ja competent authority, DDR, Manun, Nivrutta Dalelai, Pune, जिल्हामध्ये
शहरामध्ये होते आणि ते आमचं चांगलं जवळचा मित्र सुद्धा आहेत आणि ही हॅज बीन यु नो व्हेरी मच इन्स्ट्रुमेंट अँड व्हेरी हॅपी टू से दॅट ही इज अवर ॲडवायझर इन पुणे ब्रांच अँड इन ऑलमोस्ट ऑल द ऍक्शन्स काही आम्ही करत असो हम जो भी करते हैं उसमें उनका सहयोग है. सर डी बी पाटिल साहब आप एज ए कॉम्पिट अथॉरिटी जो काम किया है और आज भी एज ए एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पुणे में डीम्ड कन्वेंस को लेकर आप इसको किस तरह से देखते हैं तुमसे काय म्हणणं आहे इंग्लिश हिंदी मराठी मध्ये आपण सांगावा. पुण्यामध्ये 18,000 सोसायट्या आहेत यस सर आणि फक्त 1500 ते 1800 सोसायट्यांनी डीम कन्वेन्स करून घेतलेला आहे. हा आकडा 10% पुढे जात नाही. बरोबर आहे. म्हणजे स्कोप आपल्याला भरपूर आहे. हो. दुसरं असं आहे की काही बिल्डरनी सदनिका धारकांना फसवून त्यांचा कंडोमिनियम रजिस्टर केलेला आहे किंवा अपार्टमेंट केलेला आहे. या अपार्टमेंट वाल्यांना देखील संस्थेमध्ये कन्व्हर्ट व्हायचं आहे आणि तोही एक मोठा जॉब आहे ज्याच्यामध्ये आपल्याला चांगला स्कोप आहे. दुसरं असं की जसं गर्ग साहेबांनी आपल्या प्रतिक्रियेमध्ये सांगितलं की वारंवार DDR ऑफिसला जावं लागतं परंतु तशी आवश्यकता नाही. एकदा आपण वकील नियुक्त केला की बाकीच्या गोष्टी रुटीन मध्ये होऊन जातात. आपणाला फक्त कागद दाखल करायचे आहेत आणि ते जर सुरुवातीलाच व्यवस्थित कागदपत्र दाखल केली आणि बाकीचा जर फॉलोअप घेतला नोटीस पोहोचवणे नोटीस सर्व करणे तर काम आपोआप होत जात. आणि पुढे देखील सब रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये किंवा स्टॅम्प ड्युटीकडे त्या पण गोष्टी ऑटोमॅटिकली होतात. त्याची एक सेट सिस्टम बसलेली आहे सगळी आणि आपल्याला फक्त प्रोसेस इनिशिएट करण्याचाच कष्ट घ्यावं लागतं. आणि दुसरं म्हणजे रमेश प्रभूंनी आता आपल्या समोर जो प्रस्ताव ठेवलेला आहे 15-30 भाषणांचा 15,000 रुपयामध्ये तो अतिशय उत्तम प्रस्ताव आहे. आपण स्वीकारावा. आपल्याला त्याच्यामध्ये ज्ञानात फरक पडेल. आपल्याला वाचण्यासाठी चांगलं मटेरियल मिळेल आणि शिवाय एक व्हिडिओ लिंक देखील तुमच्याकडे राहील ज्याच्यातून तुमच्या काही शंका कुशंका असतील तर त्या पण दूर होतील. आणि त्याशिवाय आणखीन खरोखरच काही अडचण असेल तर आम्ही तिथे सदैव आपल्या मदतीला आहोत. आणि इतका मोठा टास्क आहे की 1,00,000 पेक्षा जास्त सोसायटी आहेत परंतु त्यांचं कन्व्हेन्स झालेलं नाही आहे. बिल्डिंग रिडेव्हलपमेंटला जाऊ इच्छिते परंतु अद्याप बिल्डरचं किंवा जुन्या मालकाचंच नाव 7-12 वरती आहे. आणि तिकडे बिल्डर त्या गोष्टीचं काय करतायत. मेट्रो येऊ लागलेली आहे. मेट्रोमध्ये मेट्रो आल्यामुळे काही ठिकाणी FSI वाढण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा देखील फायदा संस्थाऐवजी बिल्डर कदाचित घेतील असं मला भीती वाटते. तर हे लवकरात लवकर जास्तीत जास्त संस्थांनी याचा लाभ घ्यावा. आणि ही जी ऑनलाईन सेवा रमेश प्रभूंनी उपलब्ध करून दिलेली आहे त्याची तसं बघितलं तर जे शुल्क वाटतंय ते काही अधिक नाही आहे. ते अगदीच कमी शुल्क आहे. त्याच्यातून फायदा संस्थेला देखील होणार आहे आणि तुम्हाला तुमच्या प्रोफेशन मध्ये देखील मोठा फायदा होणार आहे. तरी माझी सर्वांना विनंती आहे किंवा मी विनंती म्हणण्यापेक्षा मी आग्रह करेन की आपण या सेवेचा लाभ घ्यावा. दिस विल बी हायली बेनिफिशियल टू ऑल द ॲडव्होकेट्स चार्टर्ड अकाउंटंट सर्टिफाईड ऑडिटर्स अँड ऑल दोज हु आर इन द बिझनेस ऑफ कन्वेईंग द प्रॉपर्टी थ्रू डीम कन्वेन्स. There are 2 courts in Pune district. One is district deputy registrar Pune city and another is district deputy registrar rural. So some parts of Murshi taluka and Haveli taluka and some parts of Lonavala fall within the jurisdiction of rural DDR. And that officer is also very cooperative. Both of the officers are my good friends. So if anybody has any problem, they can always approach me and approach Shri Prabhu Sahab and we'll do whatever at our best and all the best to all the people including Shri Ramesh Prabhu, Garg Sahib and all. Sir, one more request. We will be insisting that you also will be one of the faculty there in the course and I hope you won't mind. I won't mind. I would like to join, no problem. Yes sir. And one more thing. Out of 15,000, if they are our Mahasevak or they are our member, we give 20% discount, which means it gets to 12,000. And 6,000, if they give to CM Relief Fund, then they have to pay only 6,000 to us. And for 6,000, we'll give them 6 books, which is all important judgments and everything. Then we are also going to give them the all the lectures, recorded lectures.
and of course connection with the faculties like you, where they can in future they can also hire your services, or they can also take your consultancy, and if required they can take your guidance also, either by payment or otherwise. Thank you, sir, for your all cooperation. Definitely. Now definitely we have with us, yes sir, we have with us Naresh Pai. आप नरेश पाई को जरा स्टैम्प ड्यूटी इसके बारे में सवाल करिए। हमारे साथ जुड़े हाईकोर्ट के हमारे महासेवा के पैनल के ही एडवोकेट नरेश पाई। नरेश जी, हाँ जी, या सुनील शर्मा जी, बताइए बताइए स्टैम्प ड्यूटी। यस यस सर, स्वागत है सर आपका। आई थिंक बताइए स्टैम्प ड्यूटी और यस डिमकन। डीम्ड कन्वीनियंस का प्रभु साहब ने बताया है या बाकी है? बता दिया सुनील शर्मा जी, डीम्ड कन्वीनियंस का बताया आपको, बता दिया। फिर भी बता आप दिया। बताओ अपने हिसाब से दो मिनट में, व्हाट इज डीम्ड कन्वीनियंस, हाउ इट इज डन, व्हाट इज योर तजुर्बा, आप अपना तजुर्बा बताओ, फिर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन के बारे में पूरा प्रोसेस समझा दो अपने एडवोकेट का भाषा में। ठीक है सर, ठीक है। सो प्रभु साहब ने, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, प्रभु साहब ने ऑलरेडी डीम्ड कन्वीनियंस का आपको बता दिया है, फिर भी मैं नरेश जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा सर। नरेश सर आपका ऑडियो शायद ऑडियो नहीं आ रहा नरेश सर। नरेश सर आपका आवाज नहीं सुन रहे। हाँ ये क्या आवाज नहीं आ रहा? यस आपका म्यूट हो चुका है, तो आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। नरेश जी अभी ऑडियो आ रहा है? यस सर अभी आ रहा सर, गो है, आ रहा है, गो है, यस यस सर आ रहा है। ठीक है, या गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो यहाँ पर जितने भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है मुंबई में या महाराष्ट्र में, तो ये एक्टिविटी जो है महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट के अंतर्गत कवर्ड है। अभी वो रेरा कायदे के अंतर्गत भी उसके एम्बिट में भी आ चुका है। सो एक बिल्डर अपना बिल्डिंग बांधता है और एक 51%, पहले जो 60% यूनिट था, अभी आज 51% यूनिट सेल करता है एक कॉम्प्लेक्स में, तो उसको उस बिल्डिंग का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या कंडोमिनियम या एक लीगल बॉडी बनाना रहता है विद इन 4 months के अंदर। जिस दिन उसने बेचा 51% यूनिट बेचा, उनको एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाना है, लीगल बॉडी बनाना है। और महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट का सेक्शन 11 ये बताता है कि आप एक बार जब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाते हो या कंडोमिनियम बनाते हो, तो उनको जो है अपना जमीन में या बिल्डिंग में जो हक है आपका, अगर हो सकता है जो प्रोमोटर का, प्रोमोटर मतलब लैंड ओनर एंड बिल्डर, उनका जो है हो सकता है उनका लीज होल्ड राइट हो या अगर फ्री होल्ड राइट हो, तो जिस तरह का उनका हक है उस जमीन पे, तो वो हक हस्तांतरण फ्लैट धारक के नाम पे करना चाहिए। फ्लैट धारक का जो बॉडी है, लीगल बॉडी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर सोसाइटी के नाम पे कन्वे करना चाहिए, ये कायदे का प्रावधान है। कुछ कारण की वजह से जो फ्लैट धारक है तो उनको कायदे का ज्ञान नहीं रहता था, उनको कायदे की जानकारी नहीं रहती थी, इस वजह से बहुत सारा हाउसिंग सोसाइटियों का कन्वीनियंस रुक गया था। जो ये महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लैट एक्ट एनेक्ट हुआ था 1963 में, 1963 से लेकर लगभग 2008 तक कम से कम एक बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटी, अगर आपको मुंबई डिस्ट्रिक्ट बताएं, मुंबई डिस्ट्रिक्ट, थाना डिस्ट्रिक्ट एंड पालघर डिस्ट्रिक्ट, इसमें 90% सोसाइटियों का कन्वीनियंस मतलब जमीन हस्तांतरण करने का जो प्रक्रिया जो है वो हुई नहीं थी। तो उसी प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने 2008 में कायदे को अमेंड किया था, और 2008 में कायदे को अमेंड करके एक एग्जिस्टिंग रेमेडी थी, एग्जिस्टिंग रेमेडी मतलब जो उनके पास वो कोऑपरेटिव कोऑपरेशन में जो बिल्डर और लैंड ओनर के पास जाके अपने नाम पे जमीन हस्तांतरण करा के ले सकते थे, ये एक बिल्डर का और लैंड ओनर का कोऑपरेशन से हो सकता था वहां पर। अगर कोई भी कारण के वजह से नहीं होता था, या अगर बिल्डर या लैंड ओनर अवेलेबल नहीं थे, या अगर उनका लीगल हायर हस्तांतरण करने के लिए तैयार नहीं थे, तो जो हाउसिंग सोसाइटी के पास ये उनके पास ये रेमेडी अवेलेबल थी
कि वो कंज्यूमर थे तो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते थे, वो सिविल कोर्ट में भी जा सकते थे। उसी प्रकार से महाराष्ट्र सरकार ने 2008 में एक एडिशनल रेमेडी उनको प्रोवाइड कर दिया, वो रेमेडी है डीम्ड कन्वीनियंस। सो डीम्ड कन्वीनियंस नथिंग बट ट्रांसफरिंग द, मतलब जमीन हस्तांतरण करने का एक प्रक्रिया जो है, तो वो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को उनको अधिकार दिया था, उनको एम्पावर किया था, उनको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करके अपॉइंट किया, जहां पर भी अगर कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे, हाउसिंग सोसाइटी के नाम पे अगर कन्वीनियंस हुआ नहीं है, तो अगर एक प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन का फॉर्म का एक प्रिस्क्राइब किया हुआ है कायदे में, उस प्रिस्क्राइब फॉर्म में एप्लीकेशन देते हैं और जो भी उनका पुरावा देते हैं कि उनका हाउसिंग सोसाइटी बनी है, जैसा कि बिल्डिंग अप्रूव्ड प्लान है, या अगर समझो कि कौन सा जमीन के ऊपर उनका जो बिल्डिंग खड़ी है करके प्रॉपर्टी कार्ड, या अगर उनके पास उन्होंने फ्लैट खरीदा करके उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है तो एग्रीमेंट का कॉपी, सोसाइटी फॉर्म हुआ है करके सोसाइटी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस तरह का पुरावा देते हैं, इस तरह का प्रूफ देते हैं तो अटैच करके, तो वो एक एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन भी सबमिशन करना है, ऑनलाइन सबमिशन करने के बाद उसको ऑफलाइन भी डिप्टी रजिस्ट्रार के पास, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास सबमिशन करना है। एक बार डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास सबमिशन करते थे, वो एक ऑर्डर पास करते हैं, हियरिंग कंडक्ट करते हैं, हियरिंग कंडक्ट करते हैं, और सामने वाले को भी, जो भी जमीन मालक है, या अगर उनका लीगल हेयर है या बिल्डर है या उनका लीगल हेयर है, या अगर जमीन मालक और बिल्डर एक ही है तो एक ही पार्टी को, तो उनको हियरिंग वगैरह कंडक्ट करके उनको नेचुरल नैसर्गिक न्याय कि उनको एक जमीन हस्तांतरण क्यों नहीं होना चाहिए करके उनका जो साइड प्रेजेंट करने के लिए एक चांस दिया जाता था, और इस तरह का एक 5 से 6 हियरिंग चलता है डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास, और ये अधिकारी को एक 6 महीने का वक्त दिया है कि आप 6 महीना तक इसका हियरिंग वगैरह कंडक्ट करो, और उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट सबमिशन किया है, एप्लीकेशन आया, उसके अनुसार आपको जो ठीक लगता है तो उस तरह का एक ऑर्डर पास करो। तो एक इस तरह का एक अधिकार, एक कम से कम वक्त में एक सोसाइटी के नाम पे एक कन्वीनियंस हस्तांतरण करने का एक प्रावधान कायदे में लाया गया था 2008 में, और उसके बाद 2010 में उसमें रूल वगैरह फ्रेम कर दिया गया। 2010 से बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटियों ने कन्वीनियंस प्राप्त कर लिया अपने नाम पे। तो एक बार कन्वीनियंस का ऑर्डर पास हो गया डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार ने कि एक स्पीकिंग ऑर्डर पास कर दिया, 6 महीना हियरिंग अपना कंडक्ट किया, हियरिंग कंडक्ट करके उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। ऑर्डर पास करने के बाद उसके अंदर लिखा होगा जो भी है कि आप सोसाइटी एक्स वाई जेड हाउसिंग सोसाइटी 1000 स्क्वायर मीटर जमीन के लिए ये पर्टिकुलर विलेज में से कौन सा, विलेज में से कौन सा CTS नंबर है, इस तरह का एक आदेश पास करते हैं। आदेश पास करने के बाद हाउसिंग सोसाइटी को क्या करना पड़ता है, हाउसिंग सोसाइटी को एक कन्वीनियंस डीड बनाना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बताती है कि कोई भी एक जमीन या अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो ट्रांसफर हो सकता है एक एग्रीमेंट के जरिए। तो एग्रीमेंट के जरिए मीन्स इसमें कन्वीनियंस डीड बनता है, या अगर सेल डीड बनता है तो एक सेल डीड बनाना तैयार करना पड़ता है। वो सेल डीड बना के हाउसिंग सोसाइटी का आपको कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो वहां पर आपको जनरल बॉडी में उसको प्लेस करना पड़ेगा, आपका कमिटी में उसको डीड फाइनल करने के बाद कमिटी, या अगर आपका कमिटी का जो आपका सोसाइटी का जो कंसल्टेंट है, ऑडिटर है, या अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जिसको भी आपने अपॉइंट किया हुआ है, उन्होंने जो बनाया हुआ डीड आप वेरीफाई करके उसको आपका कमिटी में अप्रूव करके फिर आपको एक जनरल बॉडी में प्रेजेंट करना पड़ेगा। जनरल बॉडी में प्रेजेंट करने के बाद जनरल बॉडी में भी स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में उसका अप्रूवल होना चाहिए। एक बार अप्रूवल हो गया तो फिर आपको ये डीड डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास, उनके पास देना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी उसमें सम्मति जरूरी है। वो भी अपनी तरफ से वो डॉक्यूमेंट चेक करते हैं कि इन्होंने बराबर CTS नंबर लिखा है कि नहीं है, सही विलेज लिखा है कि नहीं है, या अगर समझो जितना एरिया हस्तांतरण करने के लिए लिखा था वो एरिया लिखा है कि नहीं है, तो ये सब वो भी वेरीफाई करते हैं और वो अप्रूव करते हैं। एक बार उनका अप्रूवल हो गया तो उसी प्रकार से वो फर्दर एक लेटर देते हैं, क्योंकि डीड ऑफ कन्वीनियंस फाइनल होने के बाद दूसरा एक कायदे का कायदा लागू हो जाता है कि वो कोई भी एक जमीन हस्तांतरण करते समय एक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लागू होता है, एक बॉम्बे स्टैंप एक्ट लागू होता है। तो बॉम्बे स्टैंप एक्ट क्या बोलता है कि अगर कोई भी एक जमीन हस्तांतरण हो रहा है तो उसके ऊपर कितना स्टैंप ड्यूटी भरना चाहिए, ये तय करने का अधिकार जो है हर डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार के पास है।
सॉरी हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास है, तो कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के पास हमें एक एप्लीकेशन करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन के साथ हमें एग्रीमेंट देना पड़ेगा हर एक मेंबर का, बिल्डिंग प्लान देना पड़ेगा, जो डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार ने जो पास किया था वो ऑर्डर का ओरिजिनल ऑर्डर उनको देना पड़ेगा, एंड अदर डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी कार्ड है, बीएमसी असेसमेंट बिल आपने लेटेस्ट भरा हुआ वो 7-12 है तो 7-12, और ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, तो ये सब डॉक्यूमेंट उनके उनके ऑफिस में, कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स के ऑफिस में एक एप्लीकेशन और एफिडेविट के साथ सबमिशन करना पड़ेगा। तो एक बार वहां पर सबमिशन हो गया, जो अधिकारी जो है कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स, तो हर एक एग्रीमेंट को चेक करते हैं कि उन्होंने बराबर से प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरा है या नहीं है, उसको रजिस्टर किया है कि नहीं है। तो अगर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी भरा है, रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको कन्वीनियंस के टाइम पर स्टैम्प ड्यूटी भरने का एग्जेम्पशन मिल जाता है। जिसने अगर समझो कि अपना एग्रीमेंट के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा हुआ है, या अगर अंडरस्टैम्प्ड है और उन्होंने अंडरस्टैम्प्ड एग्रीमेंट है, तो उनका जो मार्केट वैल्यू जिस दिन एग्रीमेंट उन्होंने एग्जीक्यूट किया है उस दिन का मार्केट वैल्यू तय किया जाएगा, और जो डिफरेंस अमाउंट है, सपोज समझिए कि एक एग्रीमेंट के ऊपर उनको जो भरना था 50,000 रुपए, उन्होंने 50,000 भरने के बजाय उन्होंने 25,000 रुपया भरा हुआ है और 25,000 रुपया अभी भी भरना बाकी है, तो जिस दिन से उन्होंने अनपेड स्टैम्प ड्यूटी है, जिस दिन से उन्होंने भरा नहीं है, उस दिन से उनको 2% इंटरेस्ट भी उसके ऊपर लगेगा, और 2% इंटरेस्ट पर मंथ कि जितना दिन उन्होंने भरा नहीं है, और मैक्सिमम 2 है 400%। तो ये स्टैम्प ड्यूटी उनका जो भरा हुआ स्टैम्प ड्यूटी नहीं भरा हुआ पेंडिंग स्टैम्प ड्यूटी जो है वो कन्वीनियंस डेट के ऊपर लिया जाएगा, और एक बार सब एग्रीमेंट वेरीफाई करने के बाद कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स जो है एक डिमांड नोटिस इशू करता है, एक डिमांड नोटिस इशू करता है कि उसमें आपको इतना स्टैम्प ड्यूटी भरना है, एक्स वाई जेड अमाउंट स्टैम्प ड्यूटी भरना है, और किसके बिहाफ उनको भरना था, तो ये भी एक लिस्ट प्रोवाइड करते हैं कि इनके बिहाफ हमने ये टोटल अमाउंट टोटल अमुक अमाउंट हमने ये डिमांड नोटिस के जरिए आपको दिया हुआ है, ये अमाउंट आपको भरना पड़ेगा करके। एक बार डिमांड नोटिस सोसाइटी को मिलती है तो उसको 60 दिन के अंदर उनको पेमेंट सरकार को जो अमाउंट है वो पे करना चाहिए, वो ऑनलाइन पे कर सकते हैं आप। एक बार ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद 24 घंटे के बाद उसको डिफेस किया जाता है, डिफेस करने के बाद उसको कलेक्टर ऑफ स्टैम्प्स प्रॉपरली स्टैम्प ड्यूटी भरा हुआ है करके सर्टिफाई करके डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करता है। एक बार डॉक्यूमेंट हैंड ओवर हो गया, फिर हमें ये डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करना पड़ता है सोसाइटी की तरफ से, सोसाइटी का चेयरमैन सेक्रेटरी ट्रेजरर है वो साइन करेंगे, और उसी प्रकार से जो लैंड ओनर है बिल्डर है उनके बिहाफ में, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये कलेक्टर ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार को पूरा का पूरा अधिकार दिया हुआ है कि वो जमीन हस्तांतरण भी कर सकते हैं करके, तो उनके बिहाफ जो जमीन मालक है या अगर उनका लीगल है रे या बिल्डर है, तो अगर वो उनके बिहाफ ये डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार साइन करेंगे एंड उस डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन करते समय सोसाइटी के अधिकारी रहेंगे और डिस्ट्रिक्ट डिप्टी रजिस्ट्रार का वहां पर प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है क्योंकि उनको कायदे में एग्जेम्पशन मिला हुआ है। इस तरह से वो डीम्ड कन्वीनियंस डेट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनको एक तलाटी या अगर उनके यहाँ पर उनके सोसाइटी का जो एरिया में अगर सिटी सर्वे ऑफिस है तो रिस्पेक्टिव ऑफिस में सिटी सर्वे ऑफिस या तलाटी ऑफिस में एक एप्लीकेशन करना पड़ता है। एप्लीकेशन करने के बाद एक 30-45 days के अंदर सोसाइटी का वहां पर नाम चढ़ जाता है। तो ये टोटल डीम्ड कन्वीनियंस का प्रक्रिया है। तो यहाँ पर नरेश शर्मा जी, हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद नरेश जी। कुछ तो मुझे कुछ जो क्वेरीज है हमारे जो आप बताइए बारे में, और डीड ऑफ कन्वीनियंस रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी इसके बारे में मैंने कंप्लीट किया है। कोई भी क्वेश्चन वगैरह है उसका जवाब देने के लिए मैं अभी मैं पहले नरेश सर मैं पहले है ना कुछ क्वेरीज हमारे जो देख रहे हैं लाइव चैट बॉक्स में डाली है उन जो हमारे लगे शुरू से जुड़े हुए हैं उनसे उनके सवाल लेता हूँ, उनकी क्योरी से कुछ तो मैं आपको पढ़ता हूँ। आप भी साथ में हैं नरेश सर और प्रभु सर भी हैं दोनों जो भी हो एक चैट बॉक्स में है मैं पढ़ता हूँ आप बताइएगा। हरीश गंगवानी जी लिखते हैं, हरीश गंगवानी जी कैन वी बताइए यस कैन वी नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर फ्रॉम द सोसाइटी इफ सेम आर नॉट अवेलेबल विल इट बी पॉसिबल टू गेट ऑनलाइन।
ये सर चार्ट बॉक्स में है, ये देख सकते हैं आप। हाँ नरेश सर, ये हरीश गंगवानी जी का क्योरी है, कैन बी नो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर फ्रॉम द सोसाइटी, इफ सेम आर नॉट अवेलेबल विल इट बी पॉसिबल टू गेट ऑनलाइन? या हरीश गंगवानी जी, आपका ये मैसेज है कि अगर सोसाइटी का रिकॉर्ड में ये डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं है तो हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या अदर से ले सकते हैं क्या? यस बेशक आप ले सकते हो, कि जो मेंबर्स का एग्रीमेंट अगर रजिस्टर्ड है तो वो भी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में से मिल जाएगा, और अगर समझो कि अगर आपका 7/12 है वो तलाटी ऑफिस में से मिल जाएगा, अगर प्रॉपर्टी कार्ड है सिटी सर्वे ऑफिस में से मिल जाएगा, कि अगर आप समझे कि आपके पास बिल्डिंग अप्रूव प्लान नहीं है उसका रेफरेंस आपका एग्रीमेंट में दिया रहता है तो वो आप बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करके ले सकते हो। अगर आपको मैप चाहिए तलाटी का मैप चाहिए तलाटी में, या अगर समझो सिटी सर्वे का मैप चाहिए सिटी सर्वे ऑफिस में मिल जाएगा। तो इस तरह से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप अलग अलग वेरियस डिपार्टमेंट में जो रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आरटीए डाल के, या अगर वहां पर सर्टिफाइड ट्रू कॉपी देने का, अगर वो भी सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी का एप्लीकेशन दे के हम ले सकते हैं, जैसा कि सिटी सर्वे ऑफिस में से प्रॉपर्टी कार्ड है 7/12 है सिटी सर्वे मैप है, ये सब सिंपल एप्लीकेशन करने के ऊपर आपको मिलेगा। अगर बहुत पुराने बिल्डिंग अप्रूव प्लान है तो वहां पर आप आरटीए में ले सकते हो। इस तरह से आपके पास कोई भी ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप रेफरेंस आपका एग्रीमेंट में से रिकॉर्ड में से सोसाइटी का रिकॉर्ड में से आप इकट्ठा करके आप वेरियस डिपार्टमेंट से एप्लीकेशन करके आप वहां से हासिल करके ले सकते हो। ओके ओके नरेश जी, सुलेमान भीमानी जी ने एनरोल के लिए रिक्वेस्ट डाली है, देन श्रेयंस करके हैं हमारे व्यूअर्स और हमारे पार्टिसिपेट श्रेयंस, ये क्योरी कर रहे हैं, कैन बी रिकवर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस incurred the deem conveyance from developer by approaching RERA or consumer court? कंज्यूमर कोर्ट में जाके वो रिकवरी कर सकते हैं। दूसरा जो मान लीजिए हमारा डीम्ड कन्वेंस का सर्टिफिकेट कोर्स जो करना चाहते हैं और उनको गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए और सोसाइटी का पैसे से वो पैसा 15,000 रुपये देना चाहते हैं तो बिल्कुल वो दे पाएंगे। उस टाइम में उनको सिर्फ गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन चाहिए, दैट दे हैव अंडरगॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो सहकार भारती का सर्टिफिकेट चाहिए, फिर उन्हें सिर्फ 5,000 रुपये एक्स्ट्रा देना होगा, बट उसका पूरा सोसाइटी का एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड से वो यूज कर पाएंगे। तो एडिशनल 5,000 रुपये देते हैं प्लस GST, तो उनको अपना पूरा पैसा जो CM रिलीफ फंड में देते हैं, हमें देते हैं और सहकार भारती को जो देते हैं, ये पूरा जो है सोसाइटी का एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फंड से पैसा वापर पाएंगे। यस सर। यस तो देखा आपने, आपने सुना अभी राधा रमन जी का क्योरी है पनीकर साहब, विल द कोर्स बी इन इंग्लिश और मराठी, व्हाट टाइम इट विल बी हेल्ड एंड हाउ मेनी डेज इन वीक, एस्यूम इट विल बी ऑनलाइन? सर प्रभु सर, इट इज ऑलरेडी ऑनलाइन। It is already online. Yes. English or Hindi, Marathi. आप Marathi और English दोनों use कर सकते हैं और हिंदी भी use कर सकते हैं। उधर hearing भी आपको तीनों language में होता है। आप हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी, English बोला तो English। आपको court को इतना ही बोलना है, मुझे हिंदी में बात करना है या मुझे English में बात करना है। This court understands the officers are well versed with all three languages. So time पूछ रहे हैं ये, what time it will be held and how many days in week? नहीं, 15 दिन में एक बार होता है और 5-6 hearing होता है। Yes. Any others? किसी का कुछ query हो, कुछ view हो इस डीम कन्वेंस और स्टाम्प ड्यूटी, जैसे हमारे लोगों से आपने सुना। यस टाइमिंग, आप डायरेक्टली अपना नाम बोल के आप सवाल कर सकते हैं। या आई एम सुलेमान भीमानी हियर, आई वांट टू नो द कोर्स टाइमिंग। या कोर्स टाइमिंग विल बी इन द इवनिंग फ्रॉम 5 to 7, maybe 30 minutes one course, then 15 minutes gap, and thereafter another 30 minutes. So daily there will be half an hour, two lectures,
either the same faculty or a different faculty will be there, but it will be on alternative days of the week. So there will be three lectures afternoon 5 to 7 is beech mein rahega depending on the availability of the person. Can we start by 4? Ha, we can do that. We will work on that. So 4 to 5 or 5:30. 4 to 5:30 ho sakta. Yeah, we'll do that. 4 to 5:30 we'll do. So we get, you know, 20-30 minutes gap. So 4 to 5:30 karte hum log. Yes, sir. Sir, one queries is from Sreyans. Sir, didn't get you. Can we also claim professional charges of advocate or other charges for getting deemed convinced in favor of society? Yeah, definitely. You can always claim. Who stops you? Yeah. तो देखा आपने किस तरह से इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल ऑनलाइन कोर्सेस डीम कन्वेंस या अदर सब्जेक्ट पे जो चल रहा हमारा मुहिम, तो आप अपना आप सीधे सीधे सवाल भी कर सकते, टाइम होने जा रहा है और एक 52 हो चुका है, तो 8 मिनट और हम लोग कुछ सवाल थ्योरीज लेंगे. डायरेक्टली आप अपना नाम बोल के सवाल कर सकते हैं, प्लीज. Anybody? और जो भी इंटरेस्टेड हैं, मैं कुछ अभी नंबर बोलूंगा उनपे, आप अपना नाम और नंबर देके इस कोर्सेस के लिए जो ऑनलाइन कोर्सेस है उस पे आप मांग सकते हैं. विशाल बामने, मिस्टर विशाल बामने, हेलो विशाल, बोलिए सर, बोलिए सर. आप ये जो ऑनलाइन कोर्स मंडे से शुरू होंगे, आप थोड़ा इसमें अपना नंबर अनाउंस कीजिए और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह ऑनलाइन थोड़ा सा बताएंगे जरा सुमित? हाँ ठीक है. ये जो मंडे से सर ने जब भी अभी अनाउंस किया कि ऑलरेडी हम पाइपलाइन में है, ऑलरेडी हमने डिजाइन भी किया है, इसलिए सर ने बता दिया. अगर आपको आपको शेड्यूल के साथ में, फैकल्टी के साथ में आपको आपका नंबर, आपका ईमेल एड्रेस आपने चैट बॉक्स में डाला ही है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा. मेरा नंबर है, मेरा नाम विशाल बामने है, आप एक बार नोट डाउन कीजिए और मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ. तो इस कोर्स के रिलेटेड और इस कोर्स के रिलेटेड और कुछ भी जानकारी आपको चाहिए, जैसा सर ने बोला कि आपको 15,000 रुपया देना है, 12,000 रुपया अगर वो मेंबर है तो 20% डिस्काउंट देगा, एज अ वॉलंटियर जुड़ा है तो भी उसको 20% डिस्काउंट है. तो वॉलंटियर जो काम कर रहे हैं बेसिकली, आप सुमित शर्मा सर आपको बताएंगे, जो महासेवा के साथ ये COVID-19 को लेके, डोमेस्टिक डाटा को लेके हमारे पास बहुत सारे एज अ वॉलंटियर महासेवा के साथ जुड़े हैं. तो हम ये COVID-19 के फाइट में एज अ वॉरियर के जैसे जुड़े हैं कि लोगों तक ये डोमेस्टिक वर्कर्स का डाटा कलेक्शन, जो सोसाइटीज में हमारे लगभग 100 वॉलेंटियर डेली PDR वाइज काम कर रहे हैं, तो हमारे साथ ऑलरेडी वॉलेंटियर से जुड़े हैं. तो सर ने जैसा बोला कि आपका 15,000 रुपया फीस है, अगर वो महासेवा के मेंबर है या वॉलेंटियर है तो उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा. 20% डिस्काउंट दिया ने 12,000 रुपया उनको पे करना है. 12,000 रुपये से 6,000 रुपया वो अगर रिलीफ फंड बेसिक इसको पीएम रिलीफ फंड पीएम केयर में अगर वो पेड करते हैं तो 50% उनको पेड करना है. विशाल बामने जी हमारे सहयोगी, आप अपना नंबर बताइए और अपना नेम नंबर शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में. हाँ ठीक है. तो मेरा नंबर है 9823, मेरा नाम विशाल बामने, 98 मैं शेयर कर रहा हूँ विशाल बामने, एक ही सेकंड सबको शेयर कर रहा हूँ. एक नाइन एट मेरा नंबर बता रहा हूं मैं वापस से, 9823911027. चैट बॉक्स में भी मैंने डाला है. इस कोर्स के रिलेटेड कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो कॉल कीजिए.
मैं आपको अपडेट दे दूंगा, और जिनको जिन्होंने आप चैट बॉक्स में अपना अटेंड आपका मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस नहीं डाला है तो प्लीज आपका नाम मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, तो मैं आपको जो कोर्स रिलेटेड जो भी है, एक डीम कन्वेंस तो एक सब्जेक्ट है, हम अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर हम जो कोर्सेस ऑनलाइन कोर्सेस कर रहे हैं उसका भी आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे। थैंक यू सुनील जी। थैंक यू विशाल बामने, हमारे सहयोगी थे, तो आप इनके नंबर्स पे ये कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं, आपके नाम इनको रजिस्टर्ड करवा सकते हैं कोर्सेज के लिए, डीम कन्वेंस या एनी अदर सब्जेक्ट। दोस्तों आप सभी आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसे संतुष्ट होंगे और एडवांटेज और बेनिफिट मिला होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे जो वॉलंटियर है, हमने जो आह्वान किया था महासेवा ने, ये रमेश प्रभु जी के नेतृत्व में हम ये सब काम कर रहे हैं, तो हमने जो आह्वान किया था उसमें आह्वान में हमें सफलता मिलती जा रही है। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एज ए वॉलंटियर, एज ए हमारे महासेवा का आप जुड़िए, इसमें काफी बेनिफिट्स है आपको। आज इस संकट के समय में आप घर बैठे किस तरह से मोबाइल से ये एज ए वॉलंटियर जुड़ सकते हैं, इस तरह से आह्वान हम कर रहे हैं आपसे। तो ये वॉलंटियर जुड़ना हो, वॉलंटियर जुड़ के आप मोबाइल पे काम कर सकते हैं, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए आह्वान कर सकते हैं, आपके आसपास जो वेलबेसर्स हैं, हाउसिंग सोसाइटी हैं, और जो डोमेस्टिक अनऑर्गेनाइज डोमेस्टिक वर्कर्स, एक बड़ा वर्ग है, असंगठित घरेलू कामगार और जो कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन लोगों का डाटा आप जो पेंशन स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उस पेंशन स्कीम के सरकारी जो लिंक है, गवर्नमेंट का लिंक है और सरकारी स्कीम है ये गवर्नमेंट की, उस पे लिंक पर किस तरह से मोबाइल के जरिए बढ़ सकते हैं, ऐसे आपको एजुकेशन होना है, ये डाटा देना है ज्यादा ज्यादा, ऐसे हमारे वॉलंटियर जुड़िए। और डाटा यदि आपको समझ में नहीं आता है, यदि एज ए वॉलंटियर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या डोमेस्टिक वर्कर्स की जानकारी के बारे में किस तरह से आपको एजुकेट और अवेयर होना है, उसके बारे में हमारे कुछ महासेवक के नाम और नंबर बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करें और उनसे संपर्क कर सकते हैं, उसे मोबाइल से या व्हाट्सएप से आप उनको एजुकेट होकर अवेयर होकर ये डाटा वगैरह सब दे सकते हैं। मैं पहले जो बताऊंगा, हमारे 50 महासेवक इस तरह से काम कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग वार्ड में मुंबई और महाराष्ट्र में। तो मैं आपको नाम बताता हूँ, मचिंद्र थलेश्री है, इनका नंबर है 8655892533। और दूसरे हमारे महासेवक हैं संतोष गिरी नाम है इनका, नंबर नोट करें 8779832157। ठीक है, ये थे नंबर दोस्तों। और जैसा हम आह्वान कर रहे हैं तमाम कोर्सेज पे वगैरह पे वो दे रहे हैं, और हमने मुख्यमंत्री जैसे आह्वान किया था चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो सैकड़ों की तादाद में हमारे पास नाम आ रहे हैं हर दिन में, नए नए नाम बताता हूँ आपको। जैसे वसई विरार के हमारे एक वेलवेसर क्लाइंट ने 1 करोड़ रुपया पीएम केयर में दिया है और 1 करोड़ रुपया चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में देने की घोषणा की है महासेवा के आह्वान पर, और तमाम लोग दे रहे हैं। आज कुछ नए नाम आए, उनके नाम बताता हूँ मैं, कि हमारे नाम आए रमेश गजानन उल्लाल है, 3001 रुपीज इन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है। दूसरे हैं हमारे तन्वी एस तनिष्का इंडस्ट्रियल इस्टेट कॉपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ये है 51,000 उन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दिया है हमारे महासेवक और हमारे चेयरमैन रमेश प्रभु जी के आह्वान पर। और मिस्टर एस तलवार इन्होंने 1100 दिया है रिलीफ फंड में। एडवोकेट अजीत अर्जुन है, इन्होंने काफी फूड वगैरह डोनेट कर रहे हैं। और मिस्टर संजय कुमार है, ये साईधाम से मिलकर इस तरह से आज ये काम कर रहे हैं। और एक खास नाम बोलना चाहूंगा, आज जेसी फ्रांसिस है, ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग फेडरेशन के बड़े पदाधिकारी हैं, मिस्टर जेसी फ्रांसिस। इन्होंने काफी अवेयर कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर फंड में, और हजारों रुपया महासेवा के जरिए और फेडरेशन के जरिए कंट्रीब्यूट कर ऑनलाइन चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पीएम केयर में डोनेट करवा रहे हैं, ये एक बड़ी बात है, इनको सैल्यूट है जेसी फ्रांसिस को। ऐसे आज सरकार की मदद कर ये ज्यादा से ज्यादा योगदान दे रहे हैं, और आप भी इस मुहिम में जुड़िए। इस तरह की मैं अपील करता हूँ एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस और माइसेल्फ महासेवा की तरफ से, तमाम उन सब लोगों को देखने वाले जो फेसबुक पे लाइव चल रहा है, ये आप चाहे तो सीए रमेश प्रभु की फेसबुक आईडी पर जाएंगे या मेरी फेसबुक आईडी पर सुनील शर्माती, ये लाइव देख सकते हैं आप फेसबुक पे, इस फेसबुक आईडी पर आप शेयर कर सकते हैं, ताकि ये जो मैसेज है
ये जो ऑनलाइन कोर्सेज और कोविड 19 के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है, फाइट है, एजुकेटेड और अवेयर करने की, अपने अपने घर बैठकर लॉकडाउन का पालन करते हुए, तो आप ये बिल्कुल ये लाइव शेयर कर सकते हैं ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आपके रेलवे तक, आपके शुभचिंतकों तक पहुंचे, आप किस तरह से घर बैठकर एक कोविड 19 के फाइट में हिस्सा बन सकते हैं, और ये बड़ा ही अवेयर और एजुकेशन वो है। तो आप फेसबुक पे जाएंगे, ये आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ये इस कॉन्फ्रेंस को यहीं पे मैं इजाजत मांगता हूँ सब लोगों से कि इसको यहीं पे, और कल एक नए सब्जेक्ट और नए विषय के साथ मिलेंगे कोविड 19 की फाइट में। इसमें अभी भी किसी का कुछ क्वेरी हो, कुछ सवाल हो तो आप कर सकते हैं, एक मिनट का समय आपके पास, एक मिनट के अंदर कुछ आपका क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद में ये इस आज की कॉन्फ्रेंस को ड्रीम कन्वेंस का आपने बड़ा ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव सेशन देखा। राम रहेजा जी बोल रहे हैं, इंटायर टीम, थैंक यू, थैंक यू रहेजा सर, आपने भी कंट्रीब्यूट किया है रहेजा सर, इसमें धन्यवाद आपको। काफी लोग इसमें आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में, और आप अपने एरिया में, अपने क्षेत्र में आप स्टे होम एंड सेफ होम, तो अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन का पालन करें। महासेवक तमाम लोग लगे हुए हैं इस कोविड 19 की फाइट में। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, ऑल सभी को मैं धन्यवाद बोलता हूँ आज की इस कॉन्फ्रेंस में। मिलते हैं कल तक, और कल तक आप इंतजार कीजिए, और आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, विशाल बामने का नंबर आपको बताया, चैट बॉक्स में दिया हमने, ऑनलाइन कोर्सेज के लिए मंडे से शुरू हो रहा है, और कोविड 19 की फाइट में ऐसे ही हमारे साथ, महासेवा के साथ में बने रहिए। कल मिलूंगा मैं आपको फिर से इसी समय 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में, और नए विषय, नए सब्जेक्ट पे जो आपको अवेयर करेगा इस कोविड 19 की फाइट में। हमें एकजुट इस तरह से अपने अपने घरों में रहकर लाइव जूम के माध्यम से एक दूसरे की एक चेन बनानी है, और हजारों लाखों लोगों को अवेयर करना, एजुकेट करना, इसको प्रण लेके आज मैं आप सभी से इजाजत लेता हूँ। नमस्कार।